Good evening, everyone. Hope you are all good and safe from the COVID. So let me welcome you all in this beautiful session of export opportunities in China. So let me start with welcoming you all in the opportunities of export and import business. And specifically, aaj hum baat karne wale hai, China ke andar humare liye kya opportunities hai unke baare mein, yes? So let me start with my introduction. This is Amit, and professionally I am an engineer, but now you can say full-time exporter and trainer. So this is what my profile. Since last 7 years, we are in the business of export, and our company ka naam hai Atlantico International, jiske through hum medical surgical disposable product ka export karte hain. Uske alawa food product ke andar humare paas chocolate drink jo hai, unka hum export ka kaam karte hain. पिछले 5 सालों से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और 150 से ज्यादा जो प्रोग्राम है वो बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आज तक बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और वी कैन से जनरल स्कूल कॉलेजेस एंड और जगह पे किए हुए हैं. सो स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर सुहैल अबिदी जो रिसर्च एडवाइजर है AMA के, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करने में. सो स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर सुहैल अबिदी. ओके सो फ्रेंड्स, आई नो दैट कि ड्यूरिंग द सेशन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो लास्ट में लेंगे, जिनके थ्रू हम आपके जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे पाएंगे. सो इन बिटवीन जितना भी कंटेंट आज मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ उसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट विद द फ्लो दैट ऑन विच टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक टूडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई चाइना? हमने ये चाइना क्यों सिलेक्ट किया हुआ है? बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइना, देन इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना, कितना इंडिया का एक्सपोर्ट है, फोकस चैप्टर क्या होने चाहिए जब आप चाइना के लिए एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो चाइनाज इंपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, वर्ल्ड वाइड चाइना कितना इंपोर्ट करता है एंड उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है, फोकस सेक्टर चाइना के अंदर एक्सपोर्ट के लिए क्या होने चाहिए, हाउ टू सेल, अगर आप चाइना के अंदर कुछ बेचना चाहते हैं तो किस तरह से उसे बेच सकते हैं, ट्रेड फेयर्स किस तरह से आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, इंडियाज इम्पोर्ट कितना है चाइना से, हेल्पफुल बॉडीज फॉर द बायलेटरल ट्रेड, ये दोनों कंट्री के बीच में कुछ ऐसी बॉडीज है जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं, एंड कॉम्प्लायंसेस, किस तरह के कॉम्प्लायंसेस फॉलो करने होंगे जब आप चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना और इंडिया के बीच में कौन से ट्रेड एग्रीमेंट है जिन ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू आप जो एक्सपोर्ट है उनके अंदर अपना जो ड्यूटी है उनको कट कर सकते हैं, एंड रिसर्च पेपर जिनके थ्रू आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाइनीज मार्केट का ले सकते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर. सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस ऑल द टॉपिक्स टूडे. And let me start with the very basics that why China? आज हमने China क्यों select किया हुआ है? सबसे पहले, it is the fastest growing country in the world, as you are all knowing that के दुनिया के अंदर जिनका GDP सबसे fast movement कर रहा है वो country है China. और we can say बहुत सारी product ऐसी है जो production के अंदर वो number one है, yes? तो fastest growing country है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा market भी है product को export करने के लिए. सो अगर हम बात करें चाइना के एक्सपोर्ट की, तो चाइना तकरीबन 152 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट एवरी ईयर करता है, जबकि उनका इंपोर्ट तकरीबन 132 लाख करोड़ का है. तो यू कैन सिंपली प्रेडिक्ट दैट इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 23 लाख करोड़ का है, जबकि उनका 152 लाख करोड़, इट इज 7 times more than 7 times. एंड अगर इंडिया के इम्पोर्ट की बात करें तो हमारा इम्पोर्ट 35 लाख करोड़ का है, जबकि उनका इम्पोर्ट 132 लाख करोड़ का. इट मीन्स जो हम सोच के रखते हैं कि चाइना तो किसी के पास इंपोर्ट नहीं करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. चाइना मैसिव प्रोडक्शन कंट्री है, सो उनको इंपोर्ट की भी बहुत जरूरत होती है. सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दैट कि भाई कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर उनका इंपोर्ट फोकस रहता है. सेकेंडली, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. सो आप सब जानते हैं कि उनका पॉपुलेशन भी तकरीबन 143 करोड़ के आजू बाजू है, तो उनकी बेसिक जो नीड्स है वो भी बहुत सारी है, मतलब लोकल जो पब्लिक है उनकी नीड्स भी बहुत सारी है, और इसकी बदौलत भी ऐसा हम सोच सकते हैं कि चाइना इज द वेरी गुड मार्केट फॉर इंडियन एक्सपोर्ट. पोस्ट कोविड के बहुत सारे बेनिफिट्स जो आज हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाइना से वॉकआउट कर रही है. सो देयर आर सेवरल रीजंस, और उसके अंदर एक रीजन कोविड भी है, जो एक पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है कि कोविड का जो बेसिक रीजन है वो चाइना है, एंड इसकी बदौलत बहुत सारे कंट्री जो स्टेप आउट कर रहे हैं. उसके अलावा बहुत सारे कंट्री ऐसे भी है जो आज सोचते हैं कि भाई चाइना के अलावा अगर कोई ऑप्शन मिलते हैं तो हम उसको सिलेक्ट करना चाहेंगे. या सो उसके अंदर एक लेबर इंटेंसिव कंपनीज की अगर हम बात करें तो दे आर लिविंग ड्यू टू हाई वेज इकोनॉमी, बिकॉज अब चाइना लो वेज इकोनॉमी नहीं रहा है,
मिडिल क्लास जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो सही एकदम ये टाइम है कि उनका जो इकोनॉमी है वो हाई वेज इकोनॉमी हो गया है, और जितनी भी कंपनी है वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बाहर से इन्वेस्ट करके ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं, उन सारी कंपनियों को आज ये परेशान कर रहा है. सो डेफिनेटली दे आर फाइंडिंग अनदर मार्केट्स टू बी इन्वेस्ट एंड टू बी मैन्युफैक्चर. ग्रोइंग मिडिल क्लास नीड्स मैसिव इंपोर्ट इन फ्यूचर. आप जैसे जानते हैं कि 143 करोड़ की उनकी खुद की आबादी है, और उसके अंदर पिछले 30-40 सालों के अंदर जो मिडिल क्लास है वो बहुत हाईली इनकरेज हुआ है, वी कैन से वो ग्रो हुआ है, और आज तकरीबन अगर हम बात करें तो तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो मिडिल क्लास पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं. सो यू कैन सिंपली प्रेडिक्ट दैट कि जैसे ही मिडिल क्लास कैटेगरी में लोगों का आना चालू हुआ, माइग्रेंट होना चालू हुआ, डेफिनेटली उनकी नीड्स भी बढ़ी, और उसकी नीड के हिसाब से बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी है जो आज चाइना उनको सप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनकी भी कुछ कैपेसिटी है जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनके थ्रू वो सप्लाई कर सकते हैं. अदर देन दैट देयर आर सेवरल प्रोडक्ट जो आज चाइना के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उनके लिए अनदर कंट्रीज के पास बहुत अच्छा चांस है टू एक्सपोर्ट टू द चाइना. मोस्ट इफिशियंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, एज वी आर नोइंग दैट के सबसे ज्यादा इफिशियंट पोर्ट जो है वो चाइना के पास है. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट पे अगर हम फोकस करें तो चाइना का पोर्ट और रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ही साउंड है, और इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर सबसे कम लीड टाइम चाइना लेता है स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्लियरेंस में. तो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन टू एक्सपोर्ट टू द चाइना एंड चेंज द पॉलिसी टू कंजम्पशन इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 1990 के बाद जब चाइना ने ग्रोथ लेना चालू किया और उनका जीडीपी जब 11% 14% के आजू बाजू रहता था, तो उस वक्त ये पूरी की पूरी इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट बेस पे थी. तो मतलब इनका जो पॉलिसी था वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी था कि जितना आप कमाई कर रहे हैं वो आप वापस इन्वेस्ट करें, वापस नया प्रोडक्शन करें, और पूरी दुनिया को वापस इन्वेस्ट करके इनके जो रिसोर्सेज उनको सस्ता करके आप पूरी दुनिया को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर अपना प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं. लेकिन राइट नाउ चाइना इज मूविंग टू द कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, बिकॉज जैसे हमने बात किया उस तरह से उनका पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उनका मिडिल क्लास जो है वो माइग्रेट होता जा रहा है, और इसकी बदौलत उनका कंजम्पशन जो है, उनका रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ा बड़ा है. तो उनकी नीड को समअप करने के लिए अल्टीमेटली चाइना ने अभी रिसेंटली उनकी पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट बेस्ड पॉलिसी से लेकर कंजम्पशन बेस्ड पॉलिसी में ट्रांसफर किया है. सो इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडिया ऑल्सो. Required lots of intermediate products to manufacture a finished good. As we all are knowing that ki China bahut sara product bahar ke countries mein export karta hai, to aisa bilkul zaruri nahi ki unke paas jitne bhi product banate hain unke liye middle jo age ki intermediate products ki requirement hoti hai jo unke manufacturing ke andar use hoti hai wo sari available hai. To definitely unko bahut sari product ko import karna padta hai aaj ke din mein jab wo finished good banana chahte hain. To ye sari product ke andar bhi bahut sari opportunities India ke liye available hai. And huge smuggling due to the restriction. You see, आज चाइना ने इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, तो ये रेस्ट्रिक्शन की बदौलत बहुत सारा स्मगलिंग भी आज चाइना के अंदर हो रहा है. सो हमारा ऐसा मानना होता है कि चाइनीज पॉलिसी के हिसाब से वहां पे स्मगलिंग नहीं होता होगा, लेकिन बाय द रूट ऑफ हांगकांग लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट का स्मगलिंग आज चाइना के अंदर हो रहा है, और इसके अंदर भी उन्होंने फोकस करने के लिए और जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर ड्यूटी के बेसिक बेनिफिट्स लेने के लिए, ड्यूटी के बेस पे प्रॉफिट लेने के लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज को चेंज किया और लिबरलाइजेशन के तौर पे अभी सोचना चालू किया है कि जो प्रोडक्ट बेसिक कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है उनको फ्री किया जाए, या तो इंपोर्ट के लिए उनके रेस्ट्रिक्शन को लूजन दिया जाए, जिससे कि क्या होगा कि मोर एंड मोर प्रोडक्ट कैन बी इम्पोर्टेड इन चाइना एंड वो लोकल लोगों तक पहुंचाई जाए. सो दीज आर द टॉपिक्स के जिसकी बदौलत हमने चाइना को आज चूज किया हुआ है. अब हम आगे बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में. अगर चाइना की हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इंडिपेंडेंट वो हुआ 1949 में हमारे बाद, देन ऑल्सो आज उनकी इकोनॉमी हमसे तकरीबन 5 times मोर है. कॉमन लैंग्वेज उनका मैंड्रेन है, चाइनीज जो जनरल चाइनीज लैंग्वेज है. टोटल एरिया उनका 95 lakh kilometers के आजू बाजू स्क्वायर किलोमीटर. पॉपुलेशन अराउंड 144 crore है, जबकि इंडिया का 138 crore है, तो 6 crore का फासला है. पॉपुलेशन ग्रोथ भी 0.5% के हिसाब से पर एनम है, तो आप सोच सकते हैं कि तकरीबन अराउंड 75 lakh जो वी कैन से न्यू इन्फेंट है वो एवरी ईयर इसके अंदर ऐड होते हैं 75 lakh. उसके अलावा रिलीजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ रिलीजन चाइनीज है, और कुछ बुद्धिज्म है जो स्पेसिफिकली ये दो रिलीजन वहां पे फोकस है. अदर देन दैट सब माइनॉरिटी में है, तो मेनली वो चाइनीज रिलीजन जो है उनको फोकस करते हैं, और ज्यादातर चाइनीज ही है.
उनका जीडीपी 1 लाख करोड़ का है, सॉरी 1000 लाख करोड़ का, जबकि हमारा 201 लाख करोड़ का, तो तकरीबन 5 टाइम उनका जीडीपी है, तो बट ऑब्वियस है उनकी रिक्वायरमेंट भी इतनी ज्यादा है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम की बात करें तो देयर आर सो मच रिच पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 6 लाख पर कैपिटा इनकम है, जबकि इंडिया का 1,73,000 के अराउंड है, तो उनका परचेजिंग पावर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वी कैन से वो जो स्पेसिफिक और क्वालिटी प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। करेंसी की बात करें तो आरएमबी उनका करेंसी है और $1 के हिसाब से 6.82 आरएमबी होते हैं, जबकि इंडियन रुपीस के हिसाब से हम अगर गिनते हैं तो 1 आरएमबी इज इक्वल टू समथिंग 10.06 रुपीस। या पॉपुलेशन डिवाइड की बात करें तो 60% पॉपुलेशन उनकी अर्बन में रहती है, जबकि 40% पॉपुलेशन उनकी रूरल एरिया में है, लेकिन रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियस है जो लोग अर्बन में रहते हैं उनके पास तो सारी सुविधाएं अवेलेबल है। लेबर फोर्स की बात करें तो जनरली एग्रीकल्चरल के अंदर से 27.7% लोग जुड़े हुए हैं, जबकि इंडस्ट्री के अंदर 28.8% एंड सर्विसेज के अंदर 43.5% है। अब ये सर्विस सेक्टर के जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर धीरे धीरे माइग्रेंट होकर जा रहे हैं रिच क्लास में एंड मिडिल क्लास में, सो डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड मार्केट फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। इंडियंस पॉपुलेशन इन चाइना की बात करें तो अराउंड 55,000 पीपल्स आर राइट नाउ लिविंग इन दी चाइना, एंड ये हमारे लिए अच्छे ट्रेड एजेंट बन सकते हैं और वहां आप उनके साथ इन्वेस्टमेंट करके भी कुछ अपनी कंपनियां जो ओपन कर सकते हैं। लिटरेसी रेट इज टू गुड 96.84, सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात इसलिए है कि ज्यादातर लोग जो है वो इंटरनेट का यूज करते हैं, एंड उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिकली उनके पास ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जिनके यूज से वो चाइनीज को इजीली इंग्लिश में और इंग्लिश को चाइनीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यू कैन सिंपली प्रेडिक्ट दैट कि भाई 96.84% पीपल्स आर लिटरेट इनसाइड द कंट्री, सो डेफिनेटली उनके पास जो रिसोर्सिस है वो भी इतने तगड़े हैं। यस, एंड एशिया का रिचेस्ट कंट्री है, तो हमारे लिए ये भी फोकस होगा कि रिचेस्ट कंट्री के हिसाब से उनका परचेसिंग पावर भी बहुत अच्छा है। तो this is what the basic information about the china, and now we are moving to the next part, it is the major cities with population. to dekhiye ye sare china ke major cities hai jinke andar shanghai, beijing, chongqing, tianjin, guangzhou, jinka takriban population aap dekhiye 2 crore 72 lakh 2 crore uske baad 1.5 crore sawa crore ke aaju baaju takriban uske 6 city to aise hai jinki population 1 crore se upar ka hai। और आप नीचे आइए सबसे लीस्ट जो 20 नंबर का सिटी है उनका भी पॉपुलेशन तकरीबन 46 लाख का है, सो वी कैन से ऑलमोस्ट जो सिटीज है वो वेल डेवलप है और वी कैन से एजुकेशनली भी बहुत ही आगे है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो बहुत अच्छे से यूज करते हैं, एंड सेकेंडली इंटरनेट का भी माध्यम वो बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे काम करना बहुत ईजी है क्योंकि पीपल्स आर वेरी मच नोइंग अबाउट द बेसिक थिंग्स, वी कैन से जो भी मार्केटिंग के जरिए है उनके थ्रू हम उनके पास पहुंच सकते हैं। अगर हम इंटरनेट यूजर्स की बात करें तो चाइना के अंदर 93.4 करोड़ इंटरनेट यूजर्स है और तकरीबन 2020 जनवरी की अगर हम बात करें तो 3% के हिसाब से उनके अंदर इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स की बात करें तो तकरीबन उसमें से 92 करोड़ पीपल्स आर यूजिंग सोशल मीडिया, मेनली वीचैट एंड उनकी जो एप्लीकेशन है B2B एंड B2C मेनली। तो सोशल मीडिया के अंदर भी वीचैट जो है उनके यूजर्स सबसे हाईएस्ट है, एंड मोबाइल कनेक्शन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 175 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है, इट इज सेइंग दैट ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के पास 2 से 3 मोबाइल कनेक्शन भी है। चलिए ये बात हमने की इंटरनेट के बारे में, जिससे कि हमको ये पता चलेगा कि हाउ मेनी यूजर्स यूजिंग द इंटरनेट पर्टिकुलरली जिससे वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहते हैं। दीज आर द मेन पोर्ट ऑफ चाइना, जिसके अंदर ये आप देख रहे हैं सारे कोस्टल पोर्ट है, तो ये सारे ऐसे पोर्ट है जिनका वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर बड़ा नाम है पोर्ट के अंदर, और लीस्ट इनका लीड टाइम है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का। सो डेफिनेटली ये जितने भी पोर्ट आप देख रहे हैं वो सारे प्रोविनेंस बहुत ही पैसे वाले, यानी कि दे आर टू मच रीच, बिकॉज आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो गुड्स है उनकी हेराफेरी यहाँ से होती है, और इसलिए अल्टीमेटली ये सारे प्रोविनेंस के अंदर बड़े बड़े सिटीज अवेलेबल है। अगर हम बात करें इनके पीछे के प्रोविनेंस की, तो यहाँ पर भी अभी धीरे धीरे लोग रीच हो रहे हैं क्योंकि वहां पे भी अभी चाइनीज गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी ईजनेस डेवलप की है। यस, एंड उसके अलावा इनके इंटरनल पार्ट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके ऊपर चाइना फोकस कर रहा है, तो यू कैन सी दैट के इन फ्यूचर उनके जितने भी प्रोविंस है उनके अंदर धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग चालू हो रहा है या तो सर्विसेज सेक्टर चालू हो रहे हैं, उसकी बदौलत बहुत सारे प्रोविनेंस जो धीरे धीरे रीच हो रहे हैं। यस,
इंडिया के एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट चाइना के अंदर तकरीबन 1,17,000 करोड़ का है, जिसके अंदर इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उनका यूएसए है, उसके बाद यूएई एंड द थर्ड नंबर पे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना को करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये मीथ होता है कि क्या सही में इंडिया से एक्सपोर्ट चाइना हो सकता है, बिकॉज हमको तो यही लगता है कि चाइना जो है वो पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है, तो जब वो सरप्लस होगा उनके पास वी कैन से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तभी तो वो एक्सपोर्ट करता होगा, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ वी कैन से। रियलिटी में हम थर्ड नंबर पे जिनको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो चाइना है। और अगर हम बात करें इंडिया एक्सपोर्ट ग्रोथ इन नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज, तो इसके अंदर स्पेसिफिकली ताइवान, चाइना, हांगकॉन्ग, जापान, कोरिया, जिसके अंदर दोनों अलग अलग कंट्रीज, मकाओ एंड मंगोलिया, ये कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट एशियन रीजन में आते हैं, जिनके अंदर चाइना में हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। उसके अलावा हांगकॉन्ग, जापान एंड कोरिया भी हमारे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं और बहुत सारा एक्सपोर्ट हम यहाँ पे भी करते हैं। यस, सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइना एंड यू कैन सी इन 2019-20 वी गॉट द 0.33% ऑफ ग्रोथ, मींस कि लास्ट ईयर का जो पेंडेमिक मेरे ख्याल से जनवरी से चालू हो गया था, लेकिन फिर भी हमारा जो ग्रोथ रेट रहा वो पॉजिटिव रहा। सो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है कि चाइना के अंदर हमारी प्रोडक्ट जो है उनको डेफिनेटली एक्सेप्ट किया जा रहा है और धीरे धीरे हम उसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज अबाउट द पॉजिटिव ग्रोथ कॉमोडिटीज इन 2019-20। अब देखिए ये जितने भी कॉमोडिटी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये सारी ऐसी कॉमोडिटीज है जो पॉजिटिव ग्रोथ में हमको लास्ट ईयर देखने को मिली। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ कौन से प्रोडक्ट में मिला, इसका मैंने एक लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अंदर ये जितने भी मैंने वी कैन से ग्रीन किया हुआ है वो सारी प्रोडक्ट ऐसी है जिनका इंडिया बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकता है, बिकॉज ये प्रोडक्ट में इंडिया जो है वो अच्छा प्रोडक्शन भी कर रहा है। तो जिसके अंदर ये आगे चैप्टर दिए गए हैं एचएस कोड के, जिसमें 47 नंबर चैप्टर है पल्प ऑफ वुड, उसके अलावा 75 निकल्स है, उसके अलावा 66 अम्ब्रेलाज एंड काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, और जिनके अंदर कितना एक्सपोर्ट हो रहा है इनका भी यहाँ पे फिगर दिया है। ये सारे फिगर जो लैक में है, यू कैन प्रेडिक्ट दैट कि पल्प ऑफ वुड का हमारा टोटल एक्सपोर्ट 44 करोड़ का है, निकल्स और निकल्स के रिगार्डिंग प्रोडक्ट का 273 करोड़ का एक्सपोर्ट है, उसी तरह से यहाँ पे वर्क ऑफ आर्ट एंड कलेक्टर्स का 127 करोड़ का एक्सपोर्ट है, ये तकरीबन आप देखिए 3300 करोड़ का एक्सपोर्ट है कॉफी, टी, मैट एंड स्पाइसेस। तो ये कैटेगरी में हमारा बहुत बड़ा दबदबा है और बहुत ही सारी प्रोडक्ट हम स्पाइसेस के अंदर, टी और कॉफी के अंदर चाइना को आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर की बात करें तो पिछले ईयर हमने 18 करोड़ का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया, एंड सिरामिक प्रोडक्ट की बात करें तो 170 करोड़ का सिरामिक प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट किया। शायद इसमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर चाइना भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उनकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमने प्रिपरेशन किए वो प्रोडक्ट हम उनको बहुत अच्छे से बेच रहे हैं। यस, तो इनसे आपको जाहिर ये पता चलता है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिनके अंदर लास्ट ईयर में हमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ मिला और फ्यूचर के अंदर ये वाली जो प्रोडक्ट है उनको आगे फोकस हम कर सकते हैं। यस, तो ये मैंने कुछ एचएस कोड निकाले हुए हैं जो स्पेसिफिकली चैप्टर के हिसाब से है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली हाईएस्ट एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट इनटू द चाइना, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सी हमारी एक्सपोर्ट हो रही है चाइना के अंदर, 1,70,000 करोड़ का हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें, तो उसमें सबसे ज्यादा है ऑर्गेनिक केमिकल्स। इनका तकरीबन लास्ट ईयर हमने 19,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। आप सब जानते हैं कि चाइना के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स अभी बंद हो गए बनना, क्योंकि हाई पॉल्यूशन इन द सिटीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज उन्होंने क्लोज डाउन कर दी है, और इसका बहुत बड़ा फायदा इंडियन इंडस्ट्रीज को मिला, और इसकी बदौलत लास्ट ईयर हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर भी केमिकल्स के अंदर बहुत अच्छा बढ़ावा हुआ। हालांकि 2019-20 में इसके अंदर 16% का हमको डाउनग्राउंडेड मिला, लेकिन अदर केमिकल्स प्रोडक्ट के अंदर हमको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिला। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमारा तकरीबन 6,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। कॉटन, इट इज द वेरी गुड कॉमोडिटी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सेकेंड नंबर पे चाइना है, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है कॉटन की वो बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पेसिफिकली कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट। या तो जिसमें अपेरल आ गया, फिर जो रो कॉटन है, उसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट है जिनका वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो डेफिनेटली उनकी जो नीड है वो उनके प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा है, और इसलिए इंडिया उनके लिए वी कैन से एक ऐसा कंट्री है जो सबसे नियर भी है, और ट्रांसपोर्टेशन रूट भी उनका बहुत क्लियर है, और बहुत अच्छे से इंपोर्ट करके वो सस्ते में अपना जो दूसरा प्रोडक्ट जो तैयार कर सकते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। सो इट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस फॉर द कॉटन एक्सपोर्ट। उसके बाद सॉल्ट, सल्फर एंड कुछ अर्थ प्रोडक्ट्स है जो स्पेसिफिकली वहां पे एक्सपोर्ट हो रही है 4,300 करोड़ के आजू बाजू।
Then after coffee, tea और mat की बात हमने की 33,300 करोड़ के आजू-बाजू में इसका export कर रहे हैं। उसके अलावा miscellaneous chemical में आप देखें, इसके अंदर 5.78% का growth मिला है, जो तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर हमारा export है। Paper and paper board की भी बहुत अच्छी requirement है, क्योंकि उनकी policy के हिसाब से भी ultimately जो उनके वहाँ मतलब forest है, उनको भी cut down करना restrict किया गया है, और इसलिए वो लोग बहुत सारी ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट और पल्प जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और इसके अंदर पेपर और पेपर बोर्ड की हमारी 911 करोड़ की जो प्रोडक्ट है वो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट हुई, जिसमें हमारा पॉजिटिव ग्रोथ है 10% के हिसाब से। इनऑर्गेनिक केमिकल में आप देखिए 67% का हमारा ग्रोथ है, 746 करोड़ का हमारा लास्ट ईयर एक्सपोर्ट था, जबकि वो 2018-19 में 444 करोड़ था। सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन साइड द इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है प्रीशियस मेटल्स के, वो ज्यादातर इसके अंदर इंक्लूड है। रबर की अगर हम बात करें तो ऑल टाइप ऑफ द रबर 450 करोड़ से हमारा ऊपर का एक्सपोर्ट है, एंड आर्टिकल ऑफ एपेरल्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि फुटवेयर भी इसका एक बहुत ही बेहतरीन एरिया है, जिसके अंदर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड के अंदर फुटवेयर के लिए। अगर हम स्पेसिफिक कोड की बात करें, मैंने यहाँ पे कुछ कोड स्पेसिफिकली निकाले हुए हैं, जिसके अंदर मैंने कुछ चैप्टर सिलेक्ट किए हैं जिसमें हमारा क्या ग्रोथ है इसके बारे में कुछ डिटेल दिया है। सो चैप्टर नंबर 9 की अगर हम बात करें तो कॉफी, टी, मैट एंड स्पाइसिस में हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है, जिसमें देखिए ये स्पेसिफिक एचएस कोड है जिनका हमारा एक्सपोर्ट कितना हुआ है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो हमारा है वो जीनस कैप्सिकम का है, जो कैप्सिकम मिर्ची आती है उसका। लास्ट ईयर हमने 2100 करोड़ का तकरीबन एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद अदर सीड्स, जिसके अंदर क्यूमिन मेनली, जिसका 880 करोड़ का एक्सपोर्ट है, टी ब्लैक जो सेशेट में आती है, उसके अलावा केशिया टोरिया सीड, अदर ब्लैक टी एंड अदर सीड्स, वी कैन से ये सारे मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिनका बहुत सारा एक्सपोर्ट हम ऑलरेडी आज कर रहे हैं। तो अगर हम बात करिए चैप्टर नंबर 9 की, तो आप इसका ग्रोथ देखिए 2015-16 से लेके अगर हम 2019-20 तक जाते हैं, तो तकरीबन हमको बहुत अच्छा ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिला है, और इसकी बदौलत ये प्रोडक्ट जो है वो फोकस करने लायक है। नेक्स्ट हम जाएंगे चैप्टर नंबर 7 में, जिसके अंदर एडिबल वेजिटेबल्स है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है तकरीबन 190 करोड़ का वो है, ड्राइड काइंड ऑफ दी वेजिटेबल्स जो ड्राई करके हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा काबुली चना 12 करोड़ के आजू बाजू, अदर चना 5 करोड़ के आजू बाजू, एंड डिहाइड्रेटेड गार्लिक फ्लेक्स, इनका खुद चाइना भी बड़ा मार्केट है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो तामसी है वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो दीज आर द ग्रोइंग मार्केट्स की जो फ्यूचर टाइम के अंदर हमको बहुत अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे सकता है। अगर इनके ग्रोथ की हम बात करें तो तकरीबन हमको हर साल पॉजिटिव ग्रोथ मिला है, और लास्ट ईयर 426% का ग्रोथ, यानी कि 2018-19 में 49 करोड़ का एक्सपोर्ट था, जबकि लास्ट ईयर 260 करोड़ का एक्सपोर्ट हमारा पड़ा। तो डेफिनेटली ये फोकस एरिया है, फोकस चैप्टर है। देन आफ्टर फर्टिलाइजर की हम बात करें तो फर्टिलाइजर के अंदर भी लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से कुछ फर्टिलाइजर में 56% का इजाफा हुआ, जिसके अंदर एनिमल डंग से जो बना है फर्टिलाइजर केमिकली ट्रीटेड, सो उसके अंदर हमारा अराउंड चार करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट था। और उसी तरह से लास्ट ईयर मिनरल के बेस पे जो केमिकल फर्टिलाइजर बना है, जिसमें ये तीन स्पेसिफिक एलिमेंट्स अवेलेबल है, नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड पोटेशियम, इनका तकरीबन 7 करोड़ के आजूबाजू हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। सो इनके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी बहुत अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो फर्टिलाइजर भी, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड के लिए फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, तो इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फूड के लिए फर्टिलाइजर जो है बहुत तैयार होता है गाँव में, तो इसको प्रपोज करके हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये फोकस करने जैसा चैप्टर है। देन आफ्टर 75 नंबर का चैप्टर है निकल, और निकल के अंदर भी आप देखिए तकरीबन हमारा 250 करोड़ के आजू बाजू का एक्सपोर्ट है, जिसमें ये स्पेसिफिक मैंने एचएस कोड दिए हैं, निकल ऑक्साइड सिंटर्स एंड ट्यूब्स एंड पाइप्स ऑफ द निकल अलॉयज, प्लेट्स जो होती है निकल्स की वो भी बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट हो रही है, एंड उसके कुछ आर्टिकल्स दिए हैं। यस, सो ये निकल्स का चैप्टर है, और इसके अंदर अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो लास्ट ईयर में बहुत अच्छा हमारा एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ, और इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो स्पेसिफिक 5 चैप्टर सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से 5th नंबर का चैप्टर है 47 नंबर पल्प ऑफ वुड। तो जो भी पल्प है वुड का, उनका भी लास्ट ईयर एक्सपोर्ट जो है वो 1 करोड़ से लेके 44 करोड़ तक बढ़ा। पल्प्स ऑफ फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम रिकवर्ड वेस्ट, जो से वेस्ट एंड स्क्रैप से जो स्पेसिफिकली पल्प तैयार किया जाता है, यस, तो उनका बहुत अच्छा डिमांड लास्ट ईयर आया। और आप मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि चाइना जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्क्रैप और वी कैन से वेस्ट प्रोडक्ट का इंपोर्टर है। तो जितना भी अब हम इंडिया के अंदर बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो वी कैन से जो शेष प्रोडक्ट निकलती है इंडस्ट्री के तौर पे, उनका भी बहुत अच्छा मार्केट है चाइना,
और डेफिनेटली आप उसको फोकस करके उनको सप्लाई कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर. या सो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड मार्केट फॉर इंडिया एंड उनको फोकस करके हम फ्यूचर के अंदर बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं स्पेसिफिकली जो स्क्रैप है उनके थ्रू. सो स्क्रैप में मैंने एक एग्जाम्पल लिया है पल्फ ऑफ फूड का. अदर देन दैट पेपर का और उसके अलावा बहुत सारे स्क्रैप्स ऐसे हैं जो इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में चाइना को एक्सपोर्ट करता है. तो ये भी एक बहुत ही फोकस करने जैसा एरिया है जिनके थ्रू आप बहुत अच्छा बिजनेस फ्यूचर में कर सकते हैं. चलिए तो ये बात हमने की कुछ स्पेसिफिक कमोडिटी के बारे में जिनकी क्या एक्सपोर्ट ग्रोथ है एंड किस तरह से इसको हम फोकस कर सकते हैं. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज इन द फोकस चैप्टर. यू सी कुछ चैप्टर मैंने यहाँ पे ऐसे निकाले हैं जिनको हम फोकस कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ भी अच्छा है और चाइना उनका बड़ा मार्केट भी है. तो अगर फोकस चैप्टर की हम बात करें तो ये सारे ऐसे स्पेसिफिक कॉमोडिटीज है, ये 8 नंबर विजिट में दिया गया है. तो कुछ ऐसी कॉमोडिटीज है जो स्पेसिफिकली इंडिया से चाइना एक्सपोर्ट हो रही है और उसके ऊपर हमारा फोकस हो सकता है. सो जिसके अंदर सबसे पहले है श्रिंप एंड पोर्क. तो ये सारी वी कैन से नॉन वेजिटेबल फूड प्रोडक्ट है. आप देखिए लास्ट ईयर में श्रिंप्स एंड प्रॉन्स के अंदर हमारा 111% का ग्रोथ हुआ. सो 5500 वी कैन से करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया लास्ट ईयर. सो इट इज द वेरी गुड कॉमोडिटी टू बी एक्सपोर्टेड एंड यू ऑल आर नोइंग दैट कि चाइना का जो फूड पैटर्न है उसमें सबसे ज्यादा जो है नॉन वेजिटेबल फूड. यस उसके बाद है जीनस कैप्सिकम जिसके बारे में हमने बात की कि 2100 करोड़ का तकरीबन हमारा एक्सपोर्ट है जिनके अंदर भी 133% का इजाफा हुआ लास्ट ईयर के अंदर. या इंडियन कॉटन जिसकी स्टेपल लेंथ जो है 28.5 mm की है इसके अंदर भी हमारा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट है तकरीबन 1300 करोड़ का. ह्यूमन हेयर इनका भी बहुत बड़ा मार्केट है चाइना. ह्यूमन हेयर यस जो अलग अलग चीजों को बनाने के लिए काम आते हैं जैसे वीग हो गया और उसके अलावा सब प्रिपरेशन जिनका 1200 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है. कॉटन अगर ग्रे की बात करें ग्रे कॉटन विदाउट एनी प्रिपरेशन उनका भी तकरीबन हमारा 1200 करोड़ का एक्सपोर्ट है. रिबन फिश फ्रोजन कॉटन ग्रे 2401 चैप्टर में जो आता है वो और अदर सीड्स ये सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो लास्ट ईयर में सबसे अच्छे ग्रोथ में थी और उसका बहुत बड़ा मार्केट है चाइना. तो अगर ये वाले स्पेसिफिक HS कोड पे हम फोकस करते हैं तो इनका फ्यूचर जो प्रोजेक्शन है वो बहुत बड़ा है एंड इसके अंदर हम बहुत अच्छा काम आगे कर सकते हैं. सो ये फ्यूचर प्रोजेक्शन के हिसाब से फोकस करने जैसी प्रोडक्ट है. अगर हम बात करें चाइनाज इंपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे स्टेटिस्टिक्स रखे हैं कि चाइना दुनिया से क्या इंपोर्ट करता है. बिकॉज अब देखिए चाइना टोटल 132 लाख करोड़ का इंपोर्ट करता है जबकि उसमें से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 1.73 लाख करोड़ ओनली. ठीक है सॉरी 1.17 लाख करोड़ ओनली. 1.17 सो यू कैन सिंपली प्रेडिक्ट दैट कि हम 1,17,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके टोटल इंपोर्ट के अंदर तो हमारा परसेंटेज तकरीबन 0.something है लाइक 0.5 0.7. सो ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो चाइना वर्ल्ड से इंपोर्ट कर रहा है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ना जितने भी HS कोड है जितने भी चैप्टर्स है उनके बारे में कुछ डिटेल्स डाली हुई है और उसमें से जो फोकस करने लाइक जो चैप्टर्स है उनको भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है. सो लेट्स सी किस तरह के वो प्रोडक्ट है जिनको चाइना बहुत अच्छे से इंपोर्ट कर रहा है. सो यू सी दीज आर द प्रोडक्ट्स जिनके आगे मैंने चैप्टर डाले हुए हैं. तो चैप्टर के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकती है. यस यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इन योर वे. जिसके अंदर सबसे पहला है इलेक्ट्रिक मशीनरी. अब देखिए इंडिया भी इलेक्ट्रिक मशीनरी बनाने के अंदर धीरे धीरे अग्रेसर आ रहा है और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जो अब हम इन हाउस बना रहे हैं. यस तो डेफिनेटली जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली हम साउंड होते जा रहे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आज हम खुद भी बना रहे हैं और इनका भी बहुत सारा एक्सपोर्ट हम आज वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं. सो अगर हम बात करें चाइना की इम्पोर्ट की तो आप देखिए ये करोड़ के अंदर फिगर्स है सारे के सारे. यस नाउ यू सी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के अंदर 36,000 करोड़ का उनका इम्पोर्ट है और रैंकिंग की अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर वो फर्स्ट नंबर का सबसे ज्यादा बड़ा इम्पोर्टर है इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट के पार्ट में. सो डेफिनेटली वो इंडिया के लिए एक फोकस एरिया है. अगर स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट को हम सम अप कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी डील होगी हमारे लिए. उसके अलावा अगर हम बात करें प्लास्टिक एंड आर्टिकल्स की तो आप देखिए तकरीबन 5 लाख करोड़ के आजू बाजू उनका इम्पोर्ट है. 5 लाख करोड़. सो आप समझ सकते हैं कि 5 लाख करोड़ के हिसाब से वो दुनिया का फर्स्ट सबसे ज्यादा प्लास्टिक एंड प्रोडक्ट का इम्पोर्टर है. तो वी ऑल आर नोइंग दैट कि प्लास्टिक प्रोडक्ट के अंदर चाइना बहुत सारी फिनिश गुड बनाता है बट उनके लिए जो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल होता है वो सारा वहां पे अवेलेबल नहीं है. सो दे आर इम्पोर्टिंग लॉट्स ऑफ स्क्रैप फ्रॉम द वर्ल्ड एंड उनके थ्रू उनका रिफर्बिश करके या तो उनको वी कैन से फिर से यूज करके
उनका उनके साथ फिनिश गुड तैयार करते हैं। तो डेफिनेटली हमारे लिए ये भी बहुत ही फोकसेबल एरिया है कि जिनके थ्रू आप प्लास्टिक स्क्रैप के अंदर और प्लास्टिक जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है उनके अंदर एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो वी कैन से प्लास्टिक प्रोडक्ट 39 नंबर चैप्टर इज ऑल्सो वेरी फोकसेबल बिकॉज दे आर नंबर वन इन द वर्ल्ड इज इन इम्पोर्ट। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल, तो मैंने आपको बताया कि चाइना आज बहुत सारी प्रोडक्ट जो है उनको ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में बैन कर चुका है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, एंड सो हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिकल्स भी आज एक बहुत अच्छा स्कोप है चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए। और आप देखिए 4 लाख करोड़ के आजू बाजू उनका इम्पोर्ट है और अगेन दे आर द नंबर वन इन द वर्ल्ड इन इम्पोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। सो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्ट करता है वो कंट्री है यूएसए, जिनका 152 लाख करोड़ के आजू बाजू का इम्पोर्ट है, जबकि सेकेंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करता है वो है चाइना, तकरीबन 132 लाख करोड़ के आजू बाजू का इम्पोर्ट है। यस, अगर हम बात करें ऑयल सीड्स एंड ऑलेजिनियस फ्रूट्स की तो उसके अंदर भी वो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, 2 लाख अराउंड 3 लाख करोड़ का उनका इम्पोर्ट है और नंबर वन पे वो इनको इम्पोर्ट करता है, जिसमें ग्रेन सीड्स एंड इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल जो सीड्स आते हैं जिनका यूज मेडिकल प्रोडक्ट बनाने में होता है उनके अंदर भी उनका बहुत बड़ा इम्पोर्ट है। अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें तो फार्मास्यूटिकल के लिए भी बट ऑब्वियस चाइना इज द बिगर एक्सपोर्टर देन मोस्ट ऑफ कंट्रीज, बट उनको प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए उनको रॉ मटेरियल भी इम्पोर्ट करना जरूरी है और इसलिए वो बहुत सारे एपीआई है जिनको इम्पोर्ट करते हैं। यस, तो देखिए आप उनके अंदर भी 2.5 लाख करोड़ का तकरीबन उनका इम्पोर्ट है और 4th largest इम्पोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके अलावा वुड एंड आर्टिकल की प्रोडक्ट के अंदर वो 1st largest इम्पोर्टर कंट्री है और देखिए उनका शेयर भी दुनिया के अंदर जितना टोटल इम्पोर्ट होता है उसमें 15.6% का शेयर है उनका। हमारा टोटल इम्पोर्ट अगर हम गिनते हैं फिर भी इतना परसेंट नहीं होता है। यस, पल्प ऑफ वुड जिनके अंदर 36.3% शेयर है, दुनिया का 1st नंबर का इम्पोर्टर, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का वो पल्प ऑफ वुड इम्पोर्ट करता है। फिगर्स देख के आपको लगता होगा कि शायद इसमें कोई गलती है, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस आर द रियल फिगर्स जो स्पेसिफिकली वो इम्पोर्ट करते हैं। सो देयर द चाइना इज वेरी ह्यूज इम्पोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड। फिश एंड कर्सन की बात करें हम मॉलिक्स की और कुछ एक्विटिक प्रोडक्ट की तो 1.12 लाख करोड़ का उनका इम्पोर्ट है, 2nd largest इम्पोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर रबर में एडिबल फ्रूट के अंदर भी वो 2nd largest इम्पोर्टर कंट्री है। कॉटन के अंदर आप देखिए 67,000 करोड़ का इनका इम्पोर्ट है, जबकि अगर हमारा एक्सपोर्ट अगर हम बात करें तो उसके अंदर बहुत कम है, यानी कि 6,000 करोड़ का हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमसे 10 गुना वो इम्पोर्ट कर रहे हैं वापस। तो डेफिनेटली ये वाला बड़ा सोर्स है, अगर हम उसको स्पेसिफिकली जो रिक्वायरमेंट है वो अगर उनको पहुंचा सकते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी द ह्यूज कमोडिटी टू बी एक्सपोर्टेड इन चाइना। सो 18.8% का टोटल उनका इम्पोर्ट वैल्यू है परसेंटेज के हिसाब से एंड 1st largest इम्पोर्टर कंट्री है कॉटन के अंदर। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, बेवरेजेस एंड स्पिरिट प्रोडक्ट के अंदर, पेपर एंड पेपर बोर्ड, सीरियल्स के अंदर भी देखिए 36,000 करोड़ का इनका इम्पोर्ट है। क्लॉक्स एंड वॉचेस के अंदर भी बहुत बड़ा मार्केट है जो स्पेसिफिकली हाई एंड प्रोडक्ट्स है। फर्टिलाइजर की बात करें तो 25,000 करोड़ का उनका फर्टिलाइजर का इम्पोर्ट है, जबकि हमारा तकरीबन 44 करोड़ का ही लास्ट ईयर एक्सपोर्ट था, तो ह्यूज मार्केट फॉर द फर्टिलाइजर। देन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, कटलरी, स्पून एंड फॉक्स, ऐसी प्रोडक्ट भी वो इम्पोर्ट करते हैं। शायद हो सकता है कि इनका जो बेस मेटल है वो इम्पोर्ट करते हो, बट उनका इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट रहता है या तो जो रॉ मटेरियल होता है इनका बहुत बड़ा इम्पोर्ट वो करते हैं और 3rd largest इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। उसके अलावा पेन, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, पिक्चर्स ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स एंड एटसेट्रा, यानी प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी। सो इंडिया के अंदर आप समझ सकते हैं कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है फोकसेबल जो बहुत सस्ता और चीप अच्छा प्रोडक्ट तैयार करती है और क्वालिटी प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली बहुत सारी चाइनीज कंपनी आज इंडिया से उनके जॉब्स क्रिएट करवाती है और इंडिया से उनका एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, तो इनको भी फोकस कर सकते हैं बिकॉज हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे बहुत सारे नए इनोवेशन के साथ डेवलप हो रही है। हम हाई एंड जो प्रिंटिंग है उनको यूज कर रहे हैं, बहुत सारी हम जर्मन मशीनरी को इम्पोर्ट कर रहे हैं। वी कैन से हाई एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके आज हम चीप और क्वालिटी प्रिंटिंग का एक ऑप्शन जो है वर्ल्ड को दे रहे हैं। यस, टोबेको के अंदर आप देखिए 13,000 करोड़ का इनका इम्पोर्ट है और टोबेको का वो 5th largest इम्पोर्टर कंट्री है और वी आर नोइंग दैट कि टोबेको के अंदर इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर 1st largest एक्सपोर्टर, यानी कि सबसे ज्यादा टोबेको का हम एक्सपोर्ट करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। तो टोबेको भी हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन एरिया है जो फोकसेबल है। देन आफ्टर कॉफी, टी एंड मेट के बारे में हमने बात किया, तकरीबन 6,000 करोड़ का इनका इम्पोर्ट है जिसके अंदर हमारा बहुत अच्छा पार्ट भी है, सो डेफिनेटली इट इज फोकसेबल। यस, देन आफ्टर अगर हम कारपेट एंड अदर टेक्सटाइल की बात करें तो उसके अंदर भी आप देखिए
874 करोड़ का उनका इम्पोर्ट है, और जिसके अंदर वो वैसे तो 25th इम्पोर्टेड कंट्री है, बिकॉज उनका खुद का भी इसका बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग है। बट कारपेट की अगर सेपरेट हम बात करें तो जो हैंडलूम कारपेट है, जो हाथ से बनाए जाते हैं, ये कारपेट इंडिया के अंदर जो बनते हैं ऐसे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी नहीं बनते। सो उनकी बहुत अच्छी डिमांड है वर्ल्ड के अंदर, एंड यू आर नोइंग दैट कि हम हैंडलूम प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफिक कारपेट में बहुत बड़ा मार्केट जो है वो कवर कर रहे हैं राइट नाउ, और वी कैन से वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड हैंडलूम के अंदर स्पेसिफिकली। सो डेफिनेटली ये टारगेट चाइना के लिए भी हम तैयार कर सकते हैं, बिकॉज 874 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। चलिए, तो ये सारे चैप्टर मैंने यहाँ तक रखे हुए हैं, तकरीबन ऑल द चैप्टर्स आर इंक्लूडेड ओवर हियर। सो बाकी के जो डेटा है वो आप अपने आप से भी चेक कर सकते हैं, ये पीपीटी कहाँ से आपको मिलेगी इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सो डेफिनेटली बहुत अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, या तो अगर आप मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर के तौर पर फोकस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली चाइना इज द बिग मार्केट फॉर अस। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ फोकस सेक्टर के ऊपर जो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए एक्सपोर्ट में सबसे फोकस हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनके जो इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस है बहुत नॉमिनल है, बिकॉज़ से रेगुलेशंस भी उन्होंने बहुत कम किए हैं ये 2-3 सालों के अंदर लास्ट, और उनका इंपोर्ट जो अभी हो रहा है वर्ल्ड से वो भी बहुत सारा बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया उस तरह से उनकी जो खुद की इकोनॉमी है इनके अंदर भी अभी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ी है बिकॉज ऑफ द लोकल डिमांड। सो डेफिनेटली लोकल डिमांड को अगर हम फोकस करना चाहेंगे तो उनको इम्पोर्ट करना जरूरी है। यस, फोकस सेक्टर की अब बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल एंड फिशिंग की, जिनके अंदर चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है, जिसमें हम कौन सी प्रोडक्ट पे फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझिए री एक्सपोर्ट फ्रॉम द हांगकांग बिकॉज ऑफ द कोटा प्रॉब्लम। अब देखिए चाइना के अंदर ना इंडिया के लिए एक कोटा बनाया गया है कि भाई आप एवरी ईयर इतना कोटा ही चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से, तो उनके जो इम्पोर्टर्स है उनको ये नोटिफाई किया गया है कि आप जब इम्पोर्ट करते हैं तो पर पर्सन या तो पर कंपनी आप कितना इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूँ कि पर पर्सन चाइना ने अभी ये कैप लगाया है कि पर पर्सन वो 2 kg सुगर एंड 20 kg राइस पर एनम वो इंपोर्ट कर सकते हैं पर पर्सन। या तो आप समझिए कि पर पर्सन यानी कि 144 करोड़ लोग है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, इट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो सुगर और राइस के अंदर चाइना ने मार्केट बहुत टाइम से ओपन किया इंडिया के लिए, और डेफिनेटली ये हमारे लिए वी कैन से कमाऊ कमोडिटी है जिसके अंदर से हम बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टली जो जा रहा है ना स्पेसिफिकली चाइना के अंदर, इनका एक कैपिंग कोटा जो है वो अलग है, जबकि उनकी ये पॉलिसी के हिसाब से आप अगर पर पर्सन 2 kg के हिसाब से सुगर गिनते हैं तो ये तकरीबन आप समझिए 288 करोड़ kg, इतना अमाउंट ऑफ सुगर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं पर पर्सन के हिसाब से अगर हम काउंट करते हैं। तो डेफिनेटली जो उनका कैपिंग लगाया है, कैपिंग के अंदर ऐसा है कि मान लीजिए 200 लाख टन इतना उनका कैपिंग है, तो उसके सामने हम जो पर पर्सन एक्सपोर्ट करना चाहे तो वो ज्यादा है, बट ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शंस देयर आर सेवरल एक्सपोर्टर जो आज हांगकांग का रास्ता यूज कर रहे हैं, बिकॉज हांगकांग इज द पार्ट ऑफ चाइना, एंड आप सब जानते हैं कि हांगकांग के जरिए से जो भी प्रोडक्ट चाइना के अंदर जाता है उनके अंदर रेस्ट्रिक्शंस बहुत ही लोअर है और वी कैन से बहुत ही सूत है। तो इन दैट केस बहुत सारी इंडियन कंपनीज आज हांगकांग के थ्रू चाइना के अंदर एक्सपोर्ट कर रही है। यस, तो डेफिनेटली इट इज द फोकसेबल एरिया। एंड अगर हम बात करते हैं 2 kg सुगर और 20 kg राइस की, तो चाइना ने ये कैप CBEC के ऊपर लगाया है, यानी कि क्रॉस बॉर्डर जो ई कॉमर्स है, क्रॉस बॉर्डर। या तो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स मतलब आप उनके अलीबाबा पे या तो उनके जो WeChat है, उनके जो जितने भी B2C प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, या तो B2B प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट दैट व्हाट इज CBEC एंड हाउ कैन इट यूजफुल टू अस, बट राइट नाउ यू कैन फोकस ऑन इट दैट के अगर हम टैक्टिक्स यूज करते हैं तो डेफिनेटली हम चाइना के अंदर अपना माल बेच सकते हैं। यस, सीरियल्स की अगर हम बात करें तो देखिए पिछले 2 सालों के अंदर 477% का इजाफा हुआ है सीरियल्स के एक्सपोर्ट में। मैंने बताया उस तरह से कि जिस तरह से उनका पॉपुलेशन मिडिल क्लास में बढ़ता जा रहा है उस तरह से उनकी डिमांड भी बहुत बढ़ रही है, और इसकी बदौलत जो सीरियल्स उनको अब देखिए वो प्रोडक्शन तो करता है लेकिन वो उनको वी कैन से समअप नहीं हो पाता, मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके सामने वो क्लियर नहीं हो पाता है। सो डेफिनेटली उनको इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि लोकल मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर टॉयज तो मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी हमको बहुत सारे टॉयज इंपोर्ट करने पड़ते हैं। क्यों?
क्योंकि इंडिया के अंदर टॉयज की डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग इतना नहीं है, तो डेफिनेटली हमको वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ये सेम केस है उनके लिए कि सीरियल्स का जो उनका खुद का प्रोडक्शन है वो तो है ही, लेकिन उससे वो डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, समअप नहीं कर पा रहे, और इसलिए इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीरियल्स प्रोडक्ट में काम करने के लिए। उसके बाद कॉफी टी एंड स्पाइसेस 199% का ग्रोथ लास्ट ईयर रजिस्टर्ड हुआ। फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें तो 236% का ग्रोथ, जिसके अंदर पिछले दो सालों से मैंगो एंड ग्रेप्स को ओपन किया है चाइनीज मार्केट के लिए, एंड दे आर वेरी मच वी कैन से इन लव विद द मैंगोज एंड ग्रेप्स ऑफ इंडियन मैंगोज एंड ग्रेप्स। तो अगर ये प्रोडक्ट को आप उनके मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली देर आर सेवरल वेज कि आप वहां पे कोई कंपनी अपना चालू कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, फिर वहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके भी आप अपना एक वेयरहाउस रख सकते हैं और यहाँ से बल्क में उनको एक्सपोर्ट करके उनके जो इनर प्रोविनेंस है वहां तक आप मैंगो को पहुंचा सकते हैं। तो देखिए कोस्टल लाइन पे जितने भी उनके प्रोविनेंस है उनके अंदर तो हमारा अच्छा काम हो ही रहा है, लेकिन अभी फोकस करने की जरूरत है इन साइड जो प्रोविनेंस है उनके अंदर, यानी कि कोस्टल से जो थोड़े दूर है। तो अभी गवर्नमेंट ने वहां पर भी, चाइनीज गवर्नमेंट ने नए वेयरहाउस को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स तैयार की हुई है, उनके अंदर बहुत अच्छा उनका फंडिंग जा रहा है और इसके लिए ये नए एरियाज ओपन हो रहे हैं। और स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू, इम्पोर्ट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। आई एम रिपीटिंग इट, फॉर द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वर्ल्ड से वो इम्पोर्ट कर रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जहां पर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेंगे और इफेक्टिवली उनको कैसे एंड यूजर तक पहुंचाया जाए, इनके बारे में पूरा प्लानिंग किया। सो डेफिनेटली ये अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो अगले टाइम के अंदर हम हमारी बहुत सारी फूड प्रोडक्ट के लिए चाइना को फोकस अच्छे से कर सकते हैं। यस, एंड एवरीवन नो दैट के वी आर द लार्जेस्ट वी कैन से प्रोड्यूसर ऑफ द फूड प्रोडक्ट। अगर हम एग्रीकल्चरल की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का इंडिया जो है वो उत्पादन करता है। यस, सेकेंडली अगर हम बात करें क्लोथिंग की तो ये भी इंडस्ट्री बहुत फोकसेबल है। लास्ट ईयर 209% का ग्रोथ हमें मिला, जिसके अंदर फोकस प्रोडक्ट में कॉटन है 179% के हिसाब से। तो देखिए कॉटन का एक्सपोर्ट भी हमारे लिए एक वी कैन से गोल्ड माइन है, क्योंकि इसके अंदर रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ती जाएगी, बिकॉज रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए भी उनको बहुत सारा कॉटन इम्पोर्ट करना पड़ता है। हालांकि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के तौर पर अगर हम गिनने जाए तो वो चाइना ही है, बट उनके फिनिश गुड का या रो कॉटन की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड के अंदर कॉटन का इंडिया करता है, जबकि सेकेंड नंबर पे जो प्रोडक्शन है वो चाइनीज करते हैं। तो डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जितना उनका प्रोडक्शन है उसके सामने उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर में चाइना दुनिया में नंबर वन है। सो क्लोथिंग के लिए तो आप सबको पता है कि कॉटन जो बेसिक मटीरियल है। सेकेंडली ट्रेडिशनल क्लोथिंग का भी अभी धीरे धीरे क्या है चलन बढ़ रहा है, तो चाइना के अंदर जो हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स है उनकी भी अच्छी डिमांड अभी खुल रही है, जिनको आप सीबीएसई के थ्रू यानी कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के थ्रू भी उनको सेल कर सकते हैं। यस, बी2सी बी2बी के जरिए। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो कॉटन प्रिपरेशन यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का भी आप बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें कॉटन थ्रेड्स आ गया, स्टेपल कॉटन आ गया, फिर कॉटन के जो ताके होते हैं। यस, सो उनकी प्रिपरेशन जिनके थ्रू वो लोग फाइनल और फिनिश गुड बनाते हैं, एंड वी कैन फोकस ऑन दैट। द थर्ड नंबर इज ऑफ फूड सेक्टर, जिसके अंदर स्पेसिफिकली डेयरी, एग एंड हनी की हम बात करें तो 402% के हिसाब से आज हमारा एक्सपोर्ट है और वो बढ़ा है 402% के हिसाब से। सो तकरीबन 400% का इजाफा हुआ है इंडिया के एक्सपोर्ट में पिछले 3-4 सालों में। सो यू कैन सिंपली प्रेडिक्ट दैट कि ये इसका बड़ा मार्केट है डेयरी प्रोडक्ट के लिए, एग्स के लिए एंड हनी के लिए। और स्पेसिफिकली अगर हम हनी की बात करें तो चाइना की जो हनी की रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत ही बड़ी है और उसके सामने उनका सप्लीमेंट बहुत कम है, क्योंकि इतना प्रोडक्शन जो करते हैं वो सारा वहीं पे खत्म हो जाता है और इसलिए उनका एक्सपोर्ट हनी में बहुत कम है। तो उनका स्पेसिफिक अपना रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है कि उसके सामने वो उनको बिकेन से पहुंचा नहीं पाते हैं एंड कस्टमर तक, और इसलिए हनी का एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत ही अच्छा है। एंड यू ऑल आर नोइंग दैट कि इंडिया के अंदर हनी का फार्मिंग भी अभी बहुत बड़ा है पिछले सालों में। यस, तो फ्लेवर के अंदर हनी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है, और हनी खाली खाने के अंदर यूज नहीं होता है, जैसे कि मेडिसिनल पर्पस के लिए भी हनी का बहुत अच्छा यूज है। देन आफ्टर ग्रीन टी जो बनाते हैं उनके अंदर फ्लेवर के लिए भी हनी फ्लेवर वो सबसे वी कैन से फोकस फ्लेवर है। और चाइना के अंदर जो ग्रीन टी है और ब्लैक टी है, अभी धीरे धीरे ब्लैक टी का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन ग्रीन टी के वो बहुत आदि है सालों से, और ग्रीन टी बहुत फोकस एरिया है हमारे लिए अगर एक्सपोर्ट के लिए बात करें।
उसके अलावा सुगर का आप देखिए लास्ट दो तीन साल में 395% के हिसाब से उनके अंदर एक्सपोर्ट का मुनाफा हुआ बढ़ावा हुआ है। एंड मीट एंड सी फूड, इसका तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी पूरी जो फूड पैटर्न है उसके अंदर ये बहुत अच्छे से गूथा हुआ है। तो 278% तक उनका एक्सपोर्ट है। स्पेसिफिकली हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है पिछले सालों में 278% स्पेसिफिकली मीट एंड सी फूड में। तो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन मीट एंड सी फूड, बट यू हैव टू कंप्लीट ऑल द कंप्लायंसेस नीडेड, ऑल द सर्टिफिकेशन, बिकॉज फूड सेक्टर में भी चाइना जो है वो बहुत ही चूजी है और क्वालिटी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करने में उनका फोकस ज्यादा है। देन आफ्टर बेवरेजेस की बात करें तो बेवरेज सेक्टर भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज राइट नाउ अल्कोहलिक प्रोडक्ट के अंदर आप सब जानते हैं कि इंडिया की कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया के टॉप वी कैन से ब्रांड में से आती है। यस, जैसे मैकडोनाल्ड्स हो गया, तो वो मैकडोनाल्ड्स इज द सेवेंथ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट एंड सेवन नंबर पे आती है दुनिया के अंदर अल्कोहलिक प्रोडक्ट में। तो हमारी ऐसी तीन चार कंपनियां हैं जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लीकर तैयार करती है। तो चाइना इज द बिग मार्केट फॉर दैट एंड आप देखिए उनके पिछले दो तीन सालों के अंदर हमारा लीकर का 275% के हिसाब से एक्सपोर्ट का ग्रोथ हुआ है। सो वेरी गुड कमोडिटी टू बी एक्सपोर्टेड इन चाइना। कोकोआ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी चाइना का सबसे बड़ा इंपोर्ट जो है वो अफ्रीका से, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज से, लेकिन कुछ सालों के अंदर इंडिया से भी कॉफी एंड कोकोआ बीन्स का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट ग्रोथ मिला है 173% के हिसाब से। एंड जूसेस, ये हमारे लिए बहुत नया एरिया है, बिकॉज यू सी पिछले 5-7 सालों में इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक बेस पे जो फार्मिंग चालू हुआ उससे जो हम जूसेस तैयार कर रहे हैं वो एकदम विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव हम बहुत अच्छे जूसेस तैयार कर रहे हैं। यस, और उसके अलावा हम क्वालिटी कंट्रोल को फोकस कर रहे हैं, उसके अंदर जो कैलोरीज है उनको फोकस कर रहे हैं, और ये सारी चीजें उनके मार्केट की रिक्वायरमेंट है। लो कैलोरी अगर जूसेस है और वो नेचुरल फॉर्म में है तो डेफिनेटली वर्ल्ड भी उसका बहुत बड़ा मार्केट है, जिसके अंदर चाइना हमारे लिए एक अच्छा फोकस मार्केट हो सकता है। लास्ट अगर दो तीन साल की बात करें तो 128% का मुनाफा हुआ है तकरीबन ये जूसेस के एरिया के अंदर। यस, और लास्ट बट नॉट लीस्ट फार्मास्यूटिकल, डेफिनेटली 11 लाख करोड़ के आजू बाजू, तकरीबन 12 लाख करोड़ का ये मार्केट है। अगर हम चाइना की बात करें तो 12 लाख करोड़ का उनका फार्मास्यूटिकल का मार्केट है। सो आप सब जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए API जो होता है वो बहुत बेसिक है एंड बहुत सारे API ऐसे हैं जिनके अंदर पॉल्यूशन की वजह से उन्होंने ये APIs बनाना बंद कर दिया है, और इनकी बदौलत इंडिया से बहुत सारा डिमांड जो है वो पिछले 2 सालों से ओपन हुआ। और अगर हम बात करें पेंडेमिक के टाइम में भी तो 2 सेक्टर ऐसे थे जिनका ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव रहा पेंडेमिक में भी, जिसके अंदर एक है केमिकल, जिसके अंदर API खास, एंड सेकेंड जो है वो हमारा फूड सेक्टर है जिनका पॉजिटिव ग्रोथ रहा। इन दोनों के अंदर तकरीबन 20% से ऊपर हमारा पॉजिटिव ग्रोथ रहा, एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ इंडिया से। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है वो भी बड़ा, क्वालिटी जो है वो भी हम अभी तैयार करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेस पे, और वर्ल्ड के नीड को समझ के हम प्रोडक्ट आज तैयार कर रहे हैं। सो वी गॉट अ वेरी गुड चांस टू वी कैन से सर्व टू द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड डेफिनेटली बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसी है जो आज इंडियन APIs को परचेज कर रही है, और चाइना उनमें से एक है जो बहुत बड़ा मार्केट है। तो आप समझ सकते हैं 12 लाख करोड़ का ये मार्केट है, तो उनकी इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट हैज ईज द रेगुलेटरी बैरियर, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल में, तो देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है उनकी खुद की भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बढ़ती है। यस, तो वो जितना प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करते हैं उसके सामने खुद के मार्केट के अंदर भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। तो देयर आर सेवरल प्रोडक्ट की जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेंगे तो उनके अंदर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिकॉज वो इतना सस्ता तैयार नहीं हो रहा है। यस, तो इन दैट केस चाइना जो है उन्होंने पिछले कुछ सालों में ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के इम्पोर्ट में बैरियर्स को ईज किया है, और इसका बेनिफिट इंडियन कंपनी को बहुत अच्छे से मिला है, क्योंकि अगर उन्होंने मान लीजिए बहुत अच्छे रेगुलेटरी बैरियर्स रखे हैं तो उनकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट इम्पोर्ट नहीं हो पाती थी। एंड बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। सो डेफिनेटली हमारे लिए ये फोकस एरिया है। एंड चाइना इज इम्पोर्टिंग मोर, गिविंग मोर अप्रूवल्स डे बाई डे, चाइना बहुत सारी चीजें इम्पोर्ट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया आगे कि अब वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो इकोनॉमी था उससे वो अभी बाहर निकल के कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज इंडिया तो सालों से कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। सो वी आर नोइंग दैट कि जब 2008 का रिसेशन आया था और उसके बाद जो 2015-16 के अंदर थोड़ा रिसेशन हमको देखने को मिला था, तो इंडिया को इतना फर्क नहीं गिरा था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जितना भी प्रोडक्शन आज हो रहा है उसमें से ज्यादातर परचेज जो होता है वो लोकल से होता है।
बट चाइना का बहुत उल्टा स्ट्रक्चर है. देखिए वो जितना भी प्रोडक्शन करते हैं अगर उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया तो डेफिनेटली उनके वहां प्रोडक्ट का ना स्टैक लग जाएगा, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्शन और इतनी सारी मशीनरी लगाई है कि उनको एक्सपोर्ट करना ये मैंडेटरी हो जाता है. तो डेफिनेटली उनकी जो लोकल डिमांड है अब उनको भी सप्लाई करना जरूरी हो गया है, और इसलिए वो अपनी लोकल डिमांड के हिसाब से भी प्रोडक्ट को सप्लीमेंट करना चालू कर रहे हैं. सो उन्होंने बहुत सारी प्रोडक्ट पे ना इम्पोर्टिंग चालू किया है और स्पेसिफिकली अप्रूवल भी उनको देना चालू किया है. तो डेफिनेटली हमारे लिए ये फोकस एरिया है जो फ्यूचर के अंदर हमको बहुत सारे बेनिफिट दे सकता है. चलिए अगर हम बात करें हाउ टू सेल की, कि किस तरह से चाइना के अंदर हम प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. सो इनके अंदर कुछ बहुत ही अच्छे एरियाज हैं जिनको आप फोकस कर सकते हैं. सो वन बाय वन हम उसको यहाँ पे लेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन से एरिया ऐसे हैं जिनको हम फोकस कर सकते हैं अगर चाइना के अंदर आप सेल करना चाहते हैं. सबसे बड़ा रास्ता है क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, जिसे हम बोलते हैं CBEC शॉर्ट फॉर्म में, और उनके वहां इनको बोला जाता है हाईटाओ. अब देखिए हाईटाओ का जो रास्ता है ना, इसके अंदर चाइना ने बहुत अच्छे से इनको ओपन किया हुआ. अब इनके अंदर सबसे पहले थोड़ा उसका बेसिक बात कर लेते हैं. ई कॉमर्स वे जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है, एवरीवन नो दैट कि आज के दिन में बहुत सारे लोग जो है वो ई कॉमर्स से परचेज करने कर रहे हैं. यस, अगर हम इंडिया की बात करें तो गांव से भी अब तो लोग ई कॉमर्स से परचेज करना चालू किया है. जहां जहां पे उनकी सर्विसेज अवेलेबल है, ऑलमोस्ट लोगों के पास अभी स्मार्टफोन्स है, तो डेफिनेटली स्मार्टफोन के थ्रू उनका परचेज जो ई कॉमर्स से हो रहा है. तो ई कॉमर्स में B2B एंड B2C आते हैं, जैसे Amazon हो गया, स्नैपडील हो गया एटसेट्रा, और वी कैन से इंडिया मार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया एटसेट्रा. सो दिस इज द वेरी ह्यूज एरिया टू बी वी कैन से इंपोर्ट द प्रोडक्ट और वी कैन से टू बी परचेज द प्रोडक्ट. क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स के अंदर अगर हम बात करें कि आज तकरीबन चाइना का, अगर पिछले साल का बात करें, 14 लाख करोड़ का उनका परचेज है. अब देखिए ऑलमोस्ट पीपल्स आर ऑन इंटरनेट, और इसकी बदौलत आप देखिए उनका शायद मेरे ख्याल से 65% से ज्यादा लोग ना वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और उसमें से तकरीबन 63% तो सोशल मीडिया पे. तो यू कैन सिंपली प्रेडिक्ट दैट कि 14 लाख करोड़ के आजू बाजू का परचेज लास्ट ईयर 2019 में क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स के अंदर चाइना ने इंपोर्ट किया. यू कैन सिंपली प्रेडिक्ट दैट 14 लाख करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. या ये मैं क्रॉस बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, कि वो चाइनीज जो इंपोर्टर है, मतलब इंडिविजुअल इंपोर्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल जो यूजर्स है, जैसे कि मैं और आप, तो हमने amazon.com से कुछ मंगवाया और कोई प्रोडक्ट मान लीजिए यूएसए से हमको सेल की गई, तो ये क्रॉस बॉर्डर है. यू कैन सिंपली प्रेडिक्ट दैट कि 14 लाख करोड़ का उनका लास्ट ईयर के अंदर टोटल इंपोर्ट हुआ क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स से. सो इट इज द वेरी ह्यूज वे टू बी फोकस्ड. या आगे हम बात करें अगर, तो ई कॉमर्स सेल इज द हाइएस्ट अमंग द वर्ल्ड इन चाइना. जो परचेज है वो हाइएस्ट अमंग द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ई कॉमर्स जो है वो USA के अंदर यूज होता है, एंड सेकंड नंबर पे लार्ज परचेजर जो है वो चाइना के अंदर, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन. डेफिनेटली ई कॉमर्स बाय पासिंग द, सॉरी दिस इज वेर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू सी ई कॉमर्स जो है ना, इससे क्या होता है, आप बाईपास कर सकते हैं जनरल बैरियर्स को. अब देखिए आप कोई प्रोडक्ट को इंडिविजुअली इंपोर्ट करता है ना, तो उसके अंदर इतने रेगुलेशन नहीं होते हैं. आप सिंपल सी बात सोचिए कि अगर आप उसको लार्ज एक्सपोर्ट करते हैं लार्ज स्केल पे, तो क्या होता है कि वो स्पेसिफिकली पोर्ट के थ्रू जाता है. ठीक है, तो जब वो पोर्ट के थ्रू जाएगा तो डेफिनेटली ये होगा कि वहां के जो पोर्ट अथॉरिटी है उनके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, और हो सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है आपकी बैन प्रोडक्ट में भी हो. इट इज पॉसिबल, या वो सर्च करने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप वहां पे जनरल बैरियर्स को बाईपास कर सकते हैं, बिकॉज जब आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करते हैं तो इनके लिए इनके साथ बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है. ये इंडिविजुअल कंसाइनमेंट के बेस पे DHL के थ्रू या तो फिर आप FedEx के थ्रू उनको भेज दीजिए, और डायरेक्ट उनका जो चाइना पोस्ट है वो कस्टमर को डायरेक्टली पहुंचा देता है. तो इनके अंदर जनरल बैरियर सारे निकल जाते हैं. तो हमारे लिए ये वाला सबसे बड़ा रास्ता है चाइनीज इंडस्ट्री को और चाइनीज लोगों को टैप करने का. तो इसके अंदर फिनिश गुड जो है ना वो हमारे लिए फोकस एरिया है. तो डेफिनेटली ई कॉमर्स जो है, क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा हमारे लिए चांस है जिनको हम यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली चाइनीज जो इंपोर्टर है, इंडिविजुअल इंपोर्टर, इनको फोकस करने के लिए. अलीबाबा, पिंडुओडुओ एंड टीमॉल आर द लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां से लोग सबसे ज्यादा परचेज करते हैं, और JD वर्ल्ड वाइड भी उनका एक बहुत अच्छा वी कैन से एप्लीकेशन है. अब देखिए टीमॉल ने तकरीबन 32% का मार्केट शेयर जो है वो अडॉप्ट करके रखा हुआ है. ये अलीबाबा का एक वेंचर है. आप सोचिए जितना उनका टोटल परचेज होता है उसमें टीमॉल का 32% मार्केट शेयर.
तो यू सी आज अलीबाबा का जो मार्केट वैल्यू कैप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है बिकॉज उनके कॉम्पिटिटर चाइना में बहुत अच्छी तरीके से सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप अलीबाबा से कुछ परचेज करते हैं तो क्या होता है कि अलीबाबा इज ए ह्यूज प्लेटफॉर्म ना, सो व्हाट हैपन कि अलीबाबा के ऊपर जब कोई बंदा कुछ सर्च करने को जाता है तो उनको इतने ऑप्शन मिलते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उनके सामने उन्होंने ये पिनडुओडुओ, टीमॉल और जेडी वर्ल्ड वाइड, ये छोटी छोटी कंपनियां जो है उन्होंने एक वेंचर चालू किया और जिसकी बदौलत आज बहुत सारे लोग जो है उनके ऊपर कन्वर्ट हुए बिकॉज दे आर प्रपोजिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो चाइनीज पीपल्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप अगर इन प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो नॉमिनल फीस के अंदर अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं और उनको डायरेक्टली क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स से सेल कर सकते हैं। सो वेरी गुड एरिया टू बी फोकस्ड। हाईटाओ इज द वी कैन से वन काइंड ऑफ द बेस्ट एरिया टू बी फोकस्ड फॉर इंडियन एक्सपोर्टर। एंड मैंने इसका एक रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसका पीडीएफ फाइल ओपन होगा, आप उसको पढ़िएगा बराबर से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही स्टेटिस्टिकल फिगर्स दिए हैं कि किस तरह से ये मार्केट पिछले 5-7 सालों में चाइना में बढ़ा है और ये अपग्रोइंग मार्केट आई एम टेलिंग यू बिकॉज मैनी पीपल्स आर राइट नाउ माइग्रेटिंग टू द अर्बन एरियाज एंड लॉट्स ऑफ पीपल्स आर नाउ वी कैन से हैबिटेटेड विद द सोशल मीडियाज एंड ऑनलाइन परचेज। सो हमारे लिए बहुत ही अच्छा जरिया है टू बी एक्सपोर्ट फ्रॉम बाई यूजिंग द ई कॉमर्स, क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स। गुड्स डिलीवरी जो है उनका बहुत ही प्रिफरेबल उनका नेटवर्क है चाइना पोस्ट के थ्रू। अब देखिए चाइना के अंदर आप इंडिविजुअल कस्टमर तक प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो चाइना पोस्ट इज द ओनली ऑप्शन, उसके अलावा उनका कोई रेगुलरली दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बट चाइना पोस्ट इज वेरी इफेक्टिव एंड उसका नेटवर्क बहुत ही एकदम सटीक नेटवर्क है। तो जैसे DHL और FedEx का जैसे यूज करते हैं ना, उसी तरह से चाइना पोस्ट का भी अपना खुद का एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क है जिनके थ्रू वो आज 22 सिटीज के अंदर ऑलरेडी रीच कर चुके हैं और अपकमिंग टाइम के अंदर देखिए वो तकरीबन 37 सिटीज को कनेक्ट कर रहे हैं। सो आप देखिए उनके जो मेन सिटीज है जिनके अंदर टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 30 करोड़ से अबोव है, अगर उनका टोटल पॉपुलेशन आप गिनते हैं 37 सिटीज का तो 30-40 करोड़ के बीच में है। तो इनको अगर आप टैप करना चाहते हैं तो चाइना पोस्ट के थ्रू आप इन प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। एंड उसके अंदर सबसे बड़ा फायदा जो है ना वो एक ये भी है कि इसके अंदर रेगुलेशन बहुत ही कम है। तो रेगुलेशन कम है तो क्या होता है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली कस्टमर को जो ड्यूटीज पे करनी होती है वो वेवर ऑफ हो जाती है और उसकी जगह पे उनको डायरेक्टली जो टैक्सेस है वो पे करने होते हैं, जो मतलब ये स्टेट वाइज और प्रोविनेंस वाइज लगते हैं। उसमें भी ई कॉमर्स, क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स ने चाइना में 30% तक लिवरेज दिया हुआ है, तो 70% ड्यूटी को पे करके वो अभी इंपोर्ट का बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो मैंने बताया उस तरह से कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए चाइना बहुत सारे पॉलिसीज को अभी चेंज कर रहा है और ओपन पॉलिसीज ला रहा है। यस, उसके बाद ही देखिए लिबरल कंडीशंस फॉर द फूड इन फाइटोसैनिटरी। अब देखिए अगर आप इंडिविजुअली एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर क्रॉस बॉर्डर से तो उसके लिए फाइटोसैनिटरी के भी बहुत लिबरलाइजेशन है। तो पहले जैसा नहीं रहा है कि बहुत कड़ा कि उनका ये सर्टिफिकेट दीजिए वो सर्टिफिकेट दीजिए, नॉर्मल फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट आपने दिया है तो ऑटोमेटिकली वो इम्पोर्ट हो सकता है, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए कुछ लिस्ट ऑफ अलाउड प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिस्ट रखा है। देखिए चाइना जिस प्रोडक्ट को इंपोर्ट के लिए परमिट कर रहा है वर्ल्ड से या स्पेसिफिकली क्रॉस बॉर्डर में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है CBEC क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स में, चाइना ने जिस प्रोडक्ट को परमिट किया है क्रॉस बॉर्डर में इंपोर्ट करने के लिए, ऐसी टोटल तकरीबन 1400 प्रोडक्ट है। इनका पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये वाला लिंक है, अब जैसे इनको क्लिक करेंगे ये वाला लिंक पूरा ओपन हो जाएगा। ये पूरा चाइनीज बिगिन से लैंग्वेज में है बट उसको आप कन्वर्ट करिएगा इंग्लिश में, यू विल फाइंड इट आउट दैट कि कौन से HS कोड ऐसे हैं जो डायरेक्टली आप ई कॉमर्स पे सेल कर सकते हैं। बट आई एम टेलिंग यू इट इज 1400 HS कोड एंड 1400 HS कोड मींस लार्ज अपॉर्चुनिटी। या सो उनका पूरा लिस्ट है जिनको वो पॉजिटिव लिस्ट बोलते हैं और एवरी ईयर तकरीबन 100 से 130-140 जितनी प्रोडक्ट्स को वो इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं एवरी ईयर। यू कैन सिंपली प्रेडिक्ट दैट कि अगले 5 सालों के अंदर तकरीबन 2000 से 2200 प्रोडक्ट ऐसी होगी जिनको चाइना फ्रीली CBEC के थ्रू इंपोर्ट करने के लिए परमिट कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन और ज्वाइंट वेंचर की तो ये भी बहुत अच्छा रास्ता है। अगर किसी चाइनीज को आप ज्वाइंट वेंचर में लेते हैं और उनके साथ अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करते हैं तो भी आप अपना खुद का सेटअप वहां पे करके भी इंटरनल जो पार्ट्स है चाइना के वहां पे अपना प्रोडक्ट जो है उनको वी कैन से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि चाइना की ओपन पॉलिसी के हिसाब से राइट नाउ ये हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम उनके इंटरनल पार्ट के अंदर भी पहुंच सकते हैं चाइना पोस्ट के थ्रू।
उसके अलावा अली एक्सप्रेस, एवरीवन नो दैट इट इज द बिगेस्ट एरिया. अली एक्सप्रेस के बारे में मुझे ज्यादा बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि अली बाबा का ये इंटरनल पार्ट है जिनके ऊपर प्रोडक्ट का लिस्टिंग आप कर सकते हैं, और एक चाइनीज, लोकल चाइनीज इसके ऊपर से प्रोडक्ट को चेक करके इम्पोर्ट कर सकता है. सो मैंने आपको बताया उस तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट में उनकी स्कैर्सिटी है, जिनका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया हनी. तो हनी का अगर आप डायरेक्ट सेल करते हैं चाइनीज ई कॉमर्स पे तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. थ्रू हांगकॉन्ग इट इज द ऑल्सो वेरी गुड वे टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट. अभी देखिए ये फ्रूट टोबैको एंड अल्कोहल, इसके अंदर इंडियन इम्पोर्ट जो हो रहा है उसके अंदर कुछ रेगुलेशन इन्होंने इम्पोज किए हुए हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है जब आप बल्क में सेल करते हैं. बट अगर आप बल्क के अंदर कंसाइनमेंट को सेल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हांगकॉन्ग का रास्ता बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. सो आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि भाई हांगकॉन्ग से अगर प्रोडक्ट का इम्पोर्ट हो रहा है तो उनके अंदर उनका अच्छा लिबरलाइजेशन है. तो डेफिनेटली टोबैको, अल्कोहल एंड फ्रूट्स ये ऐसी प्रोडक्ट है जो इंडिया से बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है. बट अगर आप हांगकॉन्ग से उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज हांगकॉन्ग से एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, यस, तो ये वाला रास्ता अगर आप चूज करते हैं, मतलब उनके लिए आपको स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, थोड़ा उसका रिसर्च करना पड़ेगा, एंड देन हांगकॉन्ग के अगर आप सेटअप कर सकते हैं तो इट इज टू गुड, एंड देन हांगकॉन्ग से आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं इनको चाइना के अंदर. सो बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही है लेकिन वो हांगकॉन्ग से हो रही है. तो वी कैन से मल्टी नेशन एक्सपोर्ट हो रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच में लिबरलाइजेशन क्रिएटेड है, तो ऑलरेडी उनसे एक्सपोर्ट वो इजिली कर पाते हैं. बाद में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया, इनके ऊपर भी चाइनीज बहुत अवेलेबल है, जिसके अंदर मेन प्लेटफॉर्म है वीचैट, बिजनेस अकाउंट, वाइबो एंड टिकटॉक. तो टिकटॉक पे आप शॉर्ट वीडियोस बना के भी उनको उनके मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं. उसके अलावा वीचैट इज अ वेरी बिग एरिया. वीचैट के अंदर देखिए उन्होंने ना अभी वीचैट का लोकल एप्लीकेशन भी तैयार किया है. वीचैट इज लाइक वी कैन से व्हाट्सएप फॉर इंडियन. सो यू ऑल आर नोइंग दैट दे आर नॉट यूजिंग व्हाट्सएप प्रेफरेबली, बट वीचैट वो सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ऑल ओवर चाइना के अंदर वीचैट सबसे ज्यादा यूज हो रहा है. वो तो वीचैट के अंदर भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है. तो आप अगर अपनी प्रोडक्ट को वीचैट से सेल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत नॉमिनल फीस है रजिस्ट्रेशन की, और डेफिनेटली आप डायरेक्टली जो कस्टमर्स है उनको अप्रोच कर सकते हैं. तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनका अगर आप थरली स्टडी करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें जान पाएंगे. और उसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इंडियन एक्सपोर्टर के लिए है, और वो है फ्री ट्रेड जोन. अब देखिए ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये सारे नए फ्री ट्रेड जोन है, कुछ ऐसे है कि जो कुछ सालों के पहले तैयार किए गए थे, लेकिन ये इंटरनल वाले हैं. देखिए ये शांगजी हो गया, हैनान हो गया, हुबेई, चेंगलिंग एंड सिचुआन, ये वाले जितने भी पर्टिकुलर इनसाइड पोर्ट्स है ना, पोर्ट्स माने के स्पेसिफिक फ्री ट्रेड जोन. तो देखिए चाइना ने कुछ सालों से फ्री ट्रेड जोन के अंदर एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है. फ्री ट्रेड जोन क्या होता है कि आप कहीं से बाहर से प्रोडक्ट लाते हैं तो उसको फ्रीली इसके अंदर इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं. यस, तो फ्री ट्रेड जोन का बेनिफिट ये होता है कि इनके अंदर रेगुलेशंस बहुत कम होते हैं, इनके अंदर जो स्पेसिफिक ड्यूटीज होती है वो बहुत कम होती है, और इसके अलावा आप अगर चाइनीज किसी को पार्टनर बनाते हैं तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. तो फ्री ट्रेड जोन के अंदर जब आप अपना सेटअप करते हैं वेयरहाउस का, तो ऐसे टोटल चाइना के अंदर 22 फ्री ट्रेड वेयरहाउस ये सेटअप है. या तो फ्री ट्रेड जोन 22 है जिसके अंदर आप अपना वेयरहाउस सेटअप करके भी पूरे चाइना के अंदर अपना माल बेच सकते हैं. उसके अलावा ओपन द कंपनी इन फ्री ट्रेड जोन, अल्टीमेटली आप अपनी कंपनी भी वहां पे ओपन कर सकते हैं. जिनके लिए बहुत सारे लोगों को ये शायद पता नहीं होगा, आप गवर्नमेंट के बेनिफिट प्रोबेबली चेक करिए. वी कैन से पर्टिकुलरली देखिए इंडियन गवर्नमेंट, आप अगर फॉरेन कंट्रीज में वेयरहाउस ओपन कर रहे हैं तो 5 करोड़ तक का आपको बेनिफिट देती है, तो 5 करोड़ तक का आपको लोन दिया जाता है जब आप फॉरेन कंट्रीज में अपना वेयरहाउस ओपन करते हैं. सो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि आई वांट टू ओपन माय वेयरहाउस इन फॉरेन कंट्री, बट उसके लिए मैं कैसे आगे बढ़ू, मैं किससे कांटेक्ट करूँ. तो उनके लिए बहुत सारे सोर्सेज भी अवेलेबल है जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं. ठीक है, तो जब भी फ्री ट्रेड जोन के अंदर आप कोई ऑफिस का सेटअप करना चाहते हैं, वेयरहाउस का सेटअप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके जो वी कैन से प्रमोटर्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, फ्री ट्रेड जोन के प्रमोटर्स. तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनके पास से उनका पूरा डिटेल निकाल सकते हैं. यस, तो फ्री ट्रेड जोन में चाइना ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए हैं स्पेसिफिकली फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टर के लिए. और लोन जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट की ओर से भी आपको दिया जाता है, वो भी खाली 3-4% पर एनएम के इंटरेस्ट के हिसाब से. सो यू सी उनका मेन फोकस ये है कि अगर आप यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं तो वी विल ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू, एंड उसके बिहाफ में आपको हम भी लोन देंगे अगर आप यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं. तो डेफिनेटली आप इसको बराबर से स्टडी करें, और चाइना के अंदर ये घाटे का सौदा नहीं होगा. अगर आप फ्यूचर के अंदर वेयरहाउसेस वहां पे सेटअप करते हैं तो
तो फ्यूचर के अंदर उनकी डिमांड जो है बढ़ने वाली है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से और जिस तरह के उनके राइट नाउ परचेसिंग पावर जो बढ़ी हुई है. यस, तो डेफिनेटली इट विल बी द बेनिफिशियल फॉर एवरी इंडियन एक्सपोर्टर. और बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी काम करना चालू किया है, बट अभी भी इंटरनल पार्ट के अंदर जो उनके फ्री ट्रेड जोन है ना उसके ऊपर बहुत नजर नहीं गई है लोगों की. तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला एरिया जो है फोकस है. ऑफिस कंस्ट्रक्शन का भी सपोर्ट आपको दिया जाता है और बहुत ही कम टाइम में, लीड टाइम बहुत कम होता है जिनके अंदर आप वहां पे सेटअप कर सकते हैं और अपना जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा सकते हैं. बी टू बी मार्केट इज ऑल्सो अ वेरी गुड मार्केट टू बी सेल योर प्रोडक्ट, और जिसके अंदर अलीबाबा, फिर HC360, ग्लोबल रिसोर्सेज एंड ट्रेड की आर द की वी कैन से साइट्स जिनका यूज करके आप आगे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इनके ऊपर प्रोडक्ट का लिस्टिंग करके. यस, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फ्रोजन सी फूड एंड स्पाइसेस, इनको सेल करने के लिए बी टू बी मार्केट बहुत ही बेहतरीन है. आई एम रिपीटिंग, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फ्रोजन सी फूड एंड स्पाइसेस. आपको अगर बल्क आप मैन्युफैक्चरर सॉरी बल्क वी कैन से इंपोर्टर चाहिए होंगे तो डेफिनेटली उनके ये बी टू बी मार्केट बहुत ही लाभदायक होंगे हमारे लिए उनके ऊपर लिस्टिंग करके उनको एक्सपोर्ट करना. ओके, टी राइस एंड शुगर के लिए भी इनको फोकस हम कर सकते हैं क्योंकि इनका भी ज्यादा परचेज जो होता है वो बी टू बी के थ्रू होता है. चलिए, तो ये बात हमने की किस तरह से आप चाइना के अंदर सेल कर सकते हैं. नाउ ट्रेड फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए दुनिया के अंदर ना सबसे पहला कंट्री ये है चाइना कि जिन्होंने चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो लास्ट ईयर डेवलप किया था. पिछले दो साल से ये हो रहा है. ये स्पेसिफिकली इंपोर्टेड प्रोडक्ट का एक्सपो है. आप सोचिए कि कोई कंट्री उनके कंट्री में कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहता है और उसके लिए उन्होंने एक्सपो डेवलप किया है. और ये कोई स्मॉल एक्सपो नहीं है, इट इज अ वेरी लार्ज एक्सपो. लास्ट ईयर 100 इंडियन कंपनीज के अंदर पार्टिसिपेट किया था जो स्पेसिफिक उनकी रिक्वायरमेंट है, मेनली फूड एंड केमिकल्स कंपनियां, एंड दे गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स. या सो स्पेसिफिक आप सोचिए कि चाइनीज इंपोर्टर वहां पे आ रहे हैं और वो आपको अल्टीमेटली ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेचे. सो डेफिनेटली इनका स्केल फ्यूचर में बढ़ेगा. इट इज जस्ट स्टार्टअप एंड इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं. सो आप, मैंने वेबसाइट भी यहाँ पे रखा हुआ है ऊपर, आप इसको क्लिक करेंगे तो उनकी वेबसाइट पर आप जा सकेंगे. इस बार ये नवंबर मंथ में है लेकिन मेरे ख्याल से वर्चुअल होगा बिकॉज ऑफ द कोविड, बट डेफिनेटली वर्चुअल में भी आप उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप उनका स्केल देख सकते हैं. यस, कि कौन सी प्रोडक्ट के अंदर वो चाइना इंपोर्ट में अभी फोकस कर रहे हैं. उसके अलावा कैंटोन के बारे में आप सब जानते हैं, ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों के लिए फेयर है. तो कैंटोन को विजिट करके आप ये भी जान सकते हैं कि इतनी सारी प्रोडक्ट को जब वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बेस पे इनकी इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स है. सो डेफिनेटली 132 लाख करोड़ का इनका इंपोर्ट है तो बहुत सारी प्रोडक्ट को इंपोर्ट के अंदर फोकस कर रहे हैं. सो इट इज अ वेरी यूजफुल टू अस. एंड इनका अगर आप पूरा स्केल देखेंगे तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपो है. मतलब अगर आपको पूरा एक्सपो ब्रिस्क चल के भी पूरा करना होना तो 4 दिन लगेंगे. ब्रिस्क चल के, किसी से बातचीत नहीं करनी है, आपको खाली देखना है. देन ऑल्सो यू हैव टू रोम फॉर 4 डेज. इतना बड़ा एक्सपो है. सो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपो. सो यू कैन गेट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, यू विल गोइंग टू फाइंड इट आउट ओवर हियर. ईच एंड एवरी, आप सुई से लेके बड़ी मशीनरी ले लीजिए, सब यहाँ पे अवेलेबल. यस, अगर हम बात करें इंडिया इंपोर्ट की तो डेफिनेटली वी आर द वन ऑफ द लार्ज इंपोर्टर इन द वर्ल्ड. एंड हम तकरीबन 4.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं इंडिया से. तो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट है ये जो ट्रेड डेफिसिट है. चाइना को हम एक्सपोर्ट करते हैं 1,13,000 करोड़ का जबकि हम इंपोर्ट करते हैं 4.5 लाख करोड़ का. तकरीबन आप देखिए 3.5 लाख करोड़ से ऊपर का ना ट्रेड डेफिसिट जा रहा है. और इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि किस तरह से कम किया जाए, और इसलिए आज चाइना जो है हमारे फोकस एरियाज में आता है. सो अगर हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट की बात करें तो दीज आर द प्रोडक्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक मशीनरी है, ऑर्गेनिक केमिकल्स है, प्लास्टिक आर्टिकल्स, फिर उसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया, फर्नीचर हो गया, ग्लास एंड ग्लासवेयर की प्रोडक्ट है, फिर स्टोन एंड प्लास्टर प्रोडक्ट है, टॉयज हो गया, फुटवेयर की प्रोडक्ट, अपेरल, कॉपर, देन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वुड एंड वुडन के जो चारकोल्स है उनकी प्रोडक्ट, और सीरियल्स वगैरह. सो ये हम इंपोर्ट भी करते हैं. सीरियल्स तो बहुत कम है लेकिन अदर देन दैट जो बड़ी बड़ी कॉमोडिटीज है वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है. तो ये सारे प्रोडक्ट है जिनको हम इंपोर्ट करते हैं. तो डेफिनेटली हमारे लिए इंपोर्ट के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा नहीं कि खाली एक्सपोर्ट में. बट डेफिनेटली जब भी आप इंपोर्ट करते हैं चाइना से तो आप उनको फोकस करें क्योंकि राइट नाउ गवर्नमेंट ने बहुत सारी चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर भी ड्यूटीज को बढ़ाया है, कुछ प्रोडक्ट को बैन किया है, कुछ प्रोडक्ट को रेगुलेट किया है जिससे कि लोकल प्रोडक्शन बढ़े और हम चाइना को अच्छा कॉम्पीट कर सके. यस, हेल्पफुल बॉडीज की अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी बॉडीज है जो आपको हेल्पफुल हो सकती है चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए और बायलेटरल ट्रेड के लिए, तो सबसे बढ़िया जो है वो है इंडियन एम्बेसी इन चाइना.
उसका मैंने वेबसाइट और कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली उनका बहुत अच्छा फायदा जो है वो उठा सकते हैं। तो दिस इज द इंडियन एम्बेसी इन चाइना, जिसको आप फोकस करके भी आप उनके पास से बहुत सारा डेटा निकाल सकते हैं और बायर जो है उनके भी कॉन्टेक्ट लिस्ट निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने जो चैम्बर ऑफ सॉरी ये अपना इंडियन एम्बेसी है उनका एक वेबसाइट रखा है, इसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स है जो चाइनीज इम्पोर्ट को फोकस करती है और जो चाइनीज स्टडी की डेटा स्टडीज को आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देती है। तो डेफिनेटली आप इनको फोकस करें और अल्टीमेटली इन वेबसाइट्स के थ्रू जाए, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स है। तो मैंने कुछ लिंक्स यहाँ पे रखी हुई है जिसके अंदर दूसरा इंडिया चाइना बायलेटरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, दोनों कंट्री के बीच में बायलेटरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, तो डेफिनेटली आप उनका भी यूज कर सकते हैं। और एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइन ऑफ क्रेडिट के हिसाब से आपको अगर फंडिंग चाहिए तो एक्सिम बैंक इज द मेन सोर्स। अगर आप वहां पे कुछ सेटअप कर रहे हैं, वेयरहाउस कुछ भी, तो उनके लिए एक्सिम बैंक बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देगी और बहुत अच्छे से ना आपको अल्टीमेटली लोन प्रोवाइड करेगी लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पे। सो बहुत सारे कंट्रीज में ऑलरेडी हमने ये सेटअप किया हुआ है और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट हम अभी ले भी रहे हैं। यस, अगर हम बात करें कॉम्प्लायंसिस की, तो ये वाला एरिया हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, बिकॉज कॉम्प्लायंसिस माने के रूल्स एंड रेगुलेशन। जब आप चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं तो कॉम्प्लायंस भी चेक करना जरूरी है। रेगुलर इम्पोर्ट जो होता है ना, इसके अंदर उनके बहुत सारे कॉम्प्लायंसिस है स्पेसिफिकली इंडियन एक्सपोर्ट के ऊपर। तो आप जब रेगुलर प्रोडक्ट का बल्क एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लायंसिस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्लायंसिस हम पास नहीं कर सकते, डेफिनेटली हम पास कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इनका प्रोसेस बहुत टीडियस है। अब देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो ओरली लोग जो कंज्यूम करने वाले हैं, तो उनको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 6 मंथ से लेकर 8 मंथ का है। आप सोचिए, 6 मंथ to 8 मंथ का प्रोसेस जब आप डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद लगता है। उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट पास नहीं हुआ तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बोला जाता है कि आप इसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते चाइना के अंदर। सो दिस इज व्हाट द थिंग्स कि जिसे आज हम फेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द उनके साथ जैसे हमारा ट्रेड रिलेशन जो अच्छा होता जा रहा है, ये भी हमारे लिए रेगुलेशन के अंदर थोड़ा थोड़ा लिबरल होगा। और कंट्रीज के लिए ऑलरेडी इन लोगों ने लिबरल करके रखा हुआ है और अभी इंडिया के साथ जैसे ही हमारे कुछ ट्रेड पैक्ट तैयार होते हैं तो इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स के अंदर इतने रेगुलेशंस नहीं है, तो देखिए हमारे लिए सबसे अच्छा जो रास्ता है वो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एंड थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट मतलब आप किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करें और उसके थ्रू वहां पे एक्सपोर्ट करें। तो यहाँ से हांगकांग से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वियतनाम के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सिंगापुर के थ्रू भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट हांगकांग इज द मोस्ट प्रेफरेबल वे, क्योंकि हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना एंड वो एक स्पेशल इकोनॉमी भी है जिसके अंदर इंडिया का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट भी है। जैसे आप सब जानते हैं कि डायमंड के अंदर हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हांगकांग के अंदर राइट नाउ हो रहा है। तो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स इज द वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू बी यूज फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस। या प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइक द फूड, फार्मा एंड केमिकल, डेफिनेटली इट इज रिक्वायर्ड प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। सो इसको हम फोकस करेंगे तो अगर उसकी कॉम्प्लायंस हम तैयार करते हैं तो हम वहां पे आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड लैब टेस्ट एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द प्रोडक्ट। मैंने आपको जो बताया कि इसका थोड़ा प्रोसेस टीडियस है, जिनके अंदर आपको लैब टेस्ट एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार हुए हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेनिफिट करेगा। ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिया और चाइना के बीच में कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग यू हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट है जिनको हम बोलते हैं आप्टा। इट इज कॉल्ड एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, जिनके अंदर तकरीबन ये 5 कंट्री जो इन्वॉल्व है, बांग्लादेश, इंडिया, लाओ, पीडीआर, साउथ कोरिया एंड श्रीलंका। तो ये 5 कंट्री के बीच के अंदर स्पेसिफिकली ये चाइना ने लिबरलाइजेशन दिया है कि उनकी ड्यूटी जो उनको कट किया हुआ है। तो यू कैन सी ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट को आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो अगर ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर फॉल होता है तो उनका जो रेगुलर ड्यूटी है उनसे उनको आपको राहत दी जाती है, यानी कि उनको कम करके आपको इंपोर्ट करने की परमिशन मिलती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, 8,549 प्रोडक्ट ऐसी है जिसके ऊपर राइट नाउ चाइना ने ड्यूटी को जीरो कर दिया। आप समझिए, ये 5 कंट्री से जो इंपोर्ट हो रही है उसमें से 8,549 प्रोडक्ट ऐसी है जिनके अंदर आज ड्यूटी जो है वो 0% है। तो यू कैन सी दैट कि हम इसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं, और इसमें सोयाबीन, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड क्लोथिंग ये मेन प्रोडक्ट है। उसके अलावा सम ऑफ द सिग्निफिकेंट टैरिफ कट जो अलग अलग प्रोडक्ट में दिए हैं, उसमें सोयाबीन है जिसमें 0% है,
बीफ के अंदर 0% है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में भी तकरीबन 0% कर दिया है, टेक्सटाइल रॉ मटेरियल के अंदर देखिए 6.5% 10 से लेके, मेडिकल एक्सरे की जो प्रोडक्ट है उनके अंदर भी 2.8% कर दिया है, 0 to 2.8%, और चाइना ऑल्सो रिड्यूस द इम्पोर्ट टैरिफ ऑन अ रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिनके अंदर जुलाई 2018 से बहुत सारी ऐसी कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो मैंने आपको बताया कि आप क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनके अंदर टोटल 1449 प्रोडक्ट है जिनके अंदर बहुत ही सारा टैरिफ कट किया है, और आज उसमें से तकरीबन समझे 50% से ज्यादा तो प्रोडक्ट ऐसी है जिनके ऊपर 0% टैरिफ है। सो डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा चांस है। सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर हम देखने जाए ड्यूटी के अंदर तो अपैरल के अंदर भी देखिए बहुत अच्छा रिडक्शन है, 50% ड्यूटी कट है, एक्वाकल्चर जो प्रोडक्ट है उनके अंदर भी तकरीबन 70% ड्यूटी कट है, क्लीनिंग प्रोडक्ट के अंदर आप देखिए अराउंड 80% ड्यूटी कट है, हाउस होल्ड के अंदर भी बहुत अच्छा ड्यूटी कट मिला है, और वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर भी आप देखिए 10 to 30% का ड्यूटी प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली हमको मिला है। यस, सो वी कैन से ये सारा का सारा जो एरिया है इनके अंदर इंडिया के लिए प्रिविलेज है कि आप ड्यूटी कट को यूज कर सकते हैं आप्टा के अंदर यानी कि एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू, और इनको फोकस करके आप चाइना को टारगेट कर सकते हैं। सम टाइप ऑफ द ज्वेलरी जिसके अंदर था 35% जो रेगुलर ड्यूटीज है चाइना का इंपोर्ट में, इसके जगह पे 10% ड्यूटी में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ द एनी मेगा ट्रेड एग्रीमेंट वी कैन से चाइना के साथ स्पेसिफिकली, बट आप सबको पता है कि जब बीच में RCEP आया था, रीजनल कोऑपरेशन फॉर द वी कैन से इकोनॉमिकल पार्टनरशिप, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप, तो उसके अंदर इंडिया ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर किया था कि वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ RCEP। अब ये RCEP का मेन फोकस क्या था, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, उनको बाय फोर्स उनकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो ड्यूटी है उनको जीरो करके या तो फिर मिनिमम करके उनके वहां से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उनके अंदर भी उनको ड्यूटी कट चाहिए था। तो बाकी जो कंट्रीज है उन्होंने तो इनके ऊपर बहुत सारा काम कर लिया है, लेकिन इंडिया ने इसका स्टैंड क्लियर किया था कि भाई नहीं, हम अपना जो भी ड्यूटी अभी तक चाइना पर लगा के रखा हुआ है इसके अंदर कोई फोर्स नहीं चाहते हैं, और इसके लिए हम RCEP का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। बट देखिए कहीं ना कहीं क्या होता है, ये इंटरनेशनल प्रेशर्स भी डेवलप होता है कि जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट पे हम आज चाइना पे निर्भर है, तो अगर वो बंद हो जाता है तो हमारा लोकल प्रोडक्शन को बहुत इफेक्ट हो सकता है। हम वैसे बोल तो देते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करें, लेकिन आप विजिबली अगर देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल राइट नाउ, बिकॉज वी आर द ग्रोइंग इकोनॉमी एंड एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी वी नीड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना। तो क्या है कि हम उसके प्रेशर में भी है, तो डेफिनेटली फिर भी हमने एक अच्छा स्टैंड लिया है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कौन सी प्रोडक्ट के अंदर फोकस करके हम इसके अंदर जो टैरिफ कट है वो कर सकते हैं। बट यू सी 60% ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो एशिया में हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे लिए चाइना जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर फ्यूचर में हो सकता है। तो इसके लिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिए इंडिया का सबसे बड़ा फियर क्या है, चाइना का मैसिव इंपोर्ट। तो अगर हम इंपोर्ट को धीरे धीरे कम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए एक्सपोर्ट का एरियाज जो है वो ओपन होगा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड इंडिया राइट नाउ नेगोशिएटिंग 3-tier टैरिफ रिडक्शन, तो इसके अंदर हमारा कुछ नेगोशिएशन चल रहा है। 3-tier टैरिफ मतलब तीन चीजों पर फोकस किया जाता है, एक तो जो प्रोडक्ट है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, सेकेंडली उसके ऊपर जो ड्यूटी है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, एंड थर्ड वे पे जो प्रोडक्ट का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर लिस्टिंग है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा। तो 3-tier टैरिफ के हिसाब से हम रेगुलेशन को फोकस कर रहे हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट को लेके आएंगे जिस प्रोडक्ट के अंदर चाइना के लिए हम कुछ ड्यूटी जो है वो शॉर्ट ऑफ कर सकते हैं। तो यस बिल्कुल उसका फायदा हमें ये मिलेगा कि चाइना जो है वो हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी जो है वो फ्री करेगा और हम उसका एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। यस, तो वेटिंग फॉर दैट, लेट्स सी पॉजिटिव रिजल्ट्स इसके अंदर क्या मिलता है और आगे के जो भी ट्रेड पैक्ट है उसके अंदर हम 20 ईयर के लिए फोकस करने वाले हैं कि 20 साल के लिए हम ड्यूटी रिडक्शन से चाइना के अंदर एक्सपोर्ट कर पाए। देन रिसर्च पेपर के अगर हम बात करें तो कुछ रिसर्च पेपर मैंने यहाँ पे रखे हैं, डूइंग बिजनेस विद चाइना, तो इसके अंदर बहुत सारे आपको अलग अलग वी कैन से एरियाज मिलेंगे जिनके थ्रू आप इनका बहुत अच्छा स्टडी कर सकते हैं और चाइना के अंदर क्या फोकस कर सकते हैं इसको भी आप देख सकते हैं। और जेट्रो जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक पूरा रिपोर्ट तैयार किया है चाइना के ऊपर, बिकॉज इनका चाइना के अंदर बहुत बड़ा एक्सपोर्ट इन्फ्लुएंस है, तो उनकी एजेंसी ने जो रिपोर्ट तैयार किया है वो भी बहुत ही इफेक्टिव है पढ़ने के लिए। सो कुछ चीजें इसके अंदर मैंने फाइंड आउट की है कि जो बहुत ही अपने लिए भी काम की है एज एन इंडियन एक्सपोर्ट, तो डेफिनेटली यू कैन स्टडी दिस पर्टिकुलर जेट्रो रिपोर्ट, मैंने इसका लिंक भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो जब भी आप अच्छे से टाइम निकाले तो उसको जरूर से पढ़े क्योंकि इसके अंदर से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
So these are the things I want to discuss with you regarding the export opportunities in China. And उसके अलावा भारत उड़ान मिशन के थ्रू हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक शेयर करने का काम करते हैं. तो ये वाला सेशन उसी का एक पार्ट है. आगे हमने एक मोजाम्बिक का पर्टिकुलर सेमिनार लिया था कि विच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन मोजाम्बिक एंड इन फ्यूचर हम इस तरह के सेमिनार जो स्पेसिफिक टॉपिक पे लेके आएंगे. तो डेफिनेटली हमारा ये गोल है कि मैक्सिमम एक्सपोर्टर जो वो तैयार हो और अलग अलग कंट्री के तौर पे उनका स्टडी करके हम उसके अंदर अच्छा सा बिजनेस जो है उसको डेवलप कर पाए. यस. तो उसके अलावा भी एक सेमिनार जो हमने रखा है 17th को, इट इज बेसिक्स ऑन अपॉर्चुनिटीज इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस. तो जिन लोगों को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में अगर कुछ पता नहीं है तो उनके लिए ये एक सेमिनार है 17th अक्टूबर को. तो उनका रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं दिए गए नंबर पे. सो आप ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं जो आपको यहाँ पे दिया गया है, जिनके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे. यस. जिनके अंदर हमारे जो सब्जेक्टेड टॉपिक है वो है व्हाट एंड वेयर टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इन्वेस्टमेंट कितना होता है ये बिजनेस में, रिस्क क्या है, बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर की जेन्युइनिटी कैसे चेक करते हैं, गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट्स है, कस्टम क्लियरेंस, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक एक्चुअली क्या होता है, रिलायबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट क्या है, मतलब अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडियन प्रोडक्ट तो इनकी रिलायबिलिटी क्या है, हाउ कैन आई स्टार्ट, कैसे मैं उसको स्टार्ट कर सकता हूँ. सो दीज आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इनसाइड इट. एंड डेफिनेटली ये आपको बहुत सारे इनसाइट्स देगा रेगुलर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में. तो ये स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट कंट्री के वाइज नहीं है, ये स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या है और इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडिया से, इसके बारे में बात करेंगे. उसके अलावा हमारे ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter एंड Instagram पे हम अवेलेबल है. सो ये जो आपने आज का पूरा सेशन अभी देखा वो पूरा का पूरा सेशन हम अपलोड करेंगे YouTube के ऊपर कल दोपहर के बाद. तो डेफिनेटली आप वहां से देख सकते हैं. आप उसके लिए खाली भारत उड़ान मिशन जो है वो सर्च करिए YouTube के अंदर एंड यू विल फाइंड आउट द वीडियोज इन साइड. तो मोजाम्बिक का वीडियो भी हमने इसके अंदर रखा है, तो अगर किसी को उनको चेक करना हो तो ये कर सकते हैं. और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें फ्यूचर में जब भी आएंगी तो आपको यूट्यूब के माध्यम से वो आपको मिलेगी. यस. सो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारी ये नंबर पे एंड हमारा जो वेबसाइट है उनके थ्रू भी. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड आई होप यू हैव एंजॉय द सेशन. एंड जो भी बात मैं आपसे करना चाहता था आई होप कि ये आपके लिए फ्रूटफुल होगी. अगर कोई बंदा इसके थ्रू कल उठ के अच्छा सा एक्सपोर्ट के अंदर आगे बढ़ सकता है तो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी विद दैट. एंड मुझे लगता है कि मेरा जो टाइम है वो कम्प्लीटली इन्वेस्ट हुआ. यस. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. एंड राइट नाउ वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन एंड आंसर है, सॉरी क्वेश्चंस है, तो आप पूछ सकते हैं. मैं आपको राइट नाउ स्पेसिफिकली रेज हैंड करने की ऑलरेडी परमिशन है, तो प्लीज अपना हैंड रेज करें और मैं आपको यहाँ से ना बारी बारी क्वेश्चन पूछने के लिए आपको अलाउ करूंगा, मतलब अनम्यूट करूंगा. यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. सो प्लीज रेज योर हैंड इनसाइड योर मोबाइल. या दिनेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन. यस प्लीज. हेलो. यस दिनेश जी. हाँ सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी नाइस सेशन. वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क रिगार्डिंग वुमन हेयर, इट्स डिटेल्स आई वांट टू गेट, एक्सपोर्ट ऑफ वुमन हेयर. ओके, यू सी, ये जो मैंने स्टडी किया हुआ है ना, ये स्टडी मेरा डेटाबेस स्टडी है. यस. तो मेरी जो कंपनी है वो स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट करती है मेडिकल सर्जिकल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट में. तो क्या है कि मेरा स्पेसिफिक जो एरिया है वो मेडिकल सर्जिकल डिस्पोजेबल है. तो यस, आई एम टेलिंग यू दैट कि मैं सब चीजों में मास्टर नहीं हूँ, बट हाँ आप उनके HS कोड के थ्रू डेटा चेक करिए. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा बैंक के थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. इफ यू वॉन्ट टू राइट डाउन देन प्लीज नॉट इट आउट. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा बैंक, जिससे कि इंडिया से कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में, ये सारी चीजों को आप फाइंड आउट कर पाएंगे. क्या इज इट अवेलेबल ऑन DGFT? या इट इज अवेलेबल ऑन DGFT. या एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा. या एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक. ओके. या एनीवन एल्स प्लीज अपने आप को हां अनम्यूट कर लीजिएगा. ओके. एनीवन एल्स प्लीज रेज योर हैंड सो मैं आपको यहां से अनम्यूट करूं. ओके. अनिल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं. Yes, I am talking from Visakhapatnam, AP state. Wow. Yeah,
So the number one question is like recent of conflict of Indo-China, it's not affected for imports and exports, right? Yeah, बिल्कुल. देखिए, ये पहली बात तो ये कि अगर किसी कंट्री के साथ आपका अगर कोई पर्सनली दुश्मनी है तो वो क्या होता है कि जनरली ये बेस्ड ऑन बॉर्डर होता है या तो फिर राजनीतिक दुश्मनी होता है. यस, तो डेफिनेटली वो कहीं पे भी अफेक्ट नहीं करेगा अपने ट्रेड को, क्योंकि ट्रेड इज अ वेरी सेपरेट पार्ट. तो ट्रेड के ऊपर कब अफेक्ट होगा, जब हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर मान लीजिए कि ड्यूटी बढ़ाते हैं. तो जैसे एक एकदम ताजा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि जो अमेरिका और चाइना के बीच में हुआ, ये इसका एग्जाम्पल है कि जैसे ही अमेरिका ने कुछ प्रोडक्ट पे ड्यूटी बढ़ाया तो चाइना ने भी उनकी प्रोडक्ट पे ड्यूटी बढ़ाया, और उसके बाद वापस अमेरिका ने इसको विथड्रॉ किया और उसके बाद चाइना ने भी विथड्रॉ किया. बट ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता, बिकॉज दोनों कंट्री की नीड्स है और वो सब जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे कंट्री के हम दोनों के बीच में, यानी कि इंडिया चाइना के बीच में कोई तकरार होती है तो डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हमारे कंट्री में है जो अफेक्ट होगा. सो ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता. आप देखिए, ये जब बॉर्डर का क्राइसिस अभी चल रहा है तो उस वक्त अभी चाइनीज मिनिस्टर ने इंडिया में भी विजिट किया था, और इंडियन मिनिस्टर चाइना में भी विजिट करता है ट्रेड को लेकर. यस, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज लाइक वी हैव रिसेंटली फॉर्मड फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी. सो नियर बाय विशाखापट्टनम वी हैव अ आर्कु प्लेस, इज लार्जेस्ट ट्राइबल एरिया व्हिच इज कॉफी, इंडियन स्पाइसेस एंड हनी प्रोडक्शन. वेल, सो ऑलमोस्ट हनी इज 300 tons per month we can produce, also coffee and all. So we wanted to like the exporting trade and all, we wanted to start. So is there any how to start, and is there any guidance like what please. Is the starting point? Yeah, I am insisting that ke please aap ye wala jo free seminar hai unko attend kare. I am telling you, you will get lots of idea from it, so please attend it, because abhi ke liye agar main answer dena chahunga to wo khatam nahi hoga. Yeah, yes okay. Thank you, जी. Thank you so much. राजीव शिशिर जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. राजीव शिशिर. अमित जी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. मेरा दो फोकस कमोडिटी है, कॉटन और आपका आयरन ओर. ये बल्क कमोडिटी है सर, ये क्रॉस बॉर्डर अपने ई कॉमर्स जो है उसके थ्रू तो हो नहीं सकता है, तो इसको कैसे चैनलाइज किया जा सकता है सर? उसके लिए चैनलाइज करने के लिए ना सबसे बड़ा रास्ता तो यही है कि एक तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट है, बिकॉज ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी चाइना को रिक्वायरमेंट है, तो उनके अंदर इतना विकेंस से रेगुलेशंस नहीं है. देखिए, पहली बात तो ये कि कॉटन के ऊपर रेगुलेशंस बहुत कम, बहुत ही कम, और आयरन और भी सेम कमोडिटी है. अगर वो फूड सेक्टर में होता तो रेगुलेशंस डेफिनेटली होता, उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता. बट दोनों प्रोडक्ट जो आपने बोली है ये रेगुलर कमोडिटीज है, और चाइना को इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत है, तो डेफिनेटली ये फ्री काइंड ऑफ द इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है. सो बिल्कुल आप उसके अंदर फोकस करें, और उसके लिए आप अगर उसको चैनलाइज करना चाहते हैं, तो आप फोकस करें स्पेसिफिकली फ्री ट्रेड जोन को, और उनके ऐसे प्रोविंस को जहां पे सबसे ज्यादा कॉटन जो है उनको फाइनल फिनिशिंग गुड में तैयार किया जाता है, उनका सबसे ज्यादा मतलब प्रोडक्शन किया जाता है. तो अगर वो प्रोविंस को आप फोकस करते हैं तो वहां के जो पोर्ट्स है इसके ऊपर आप इसका एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, और उसके वो प्रोविंस में इनके सबसे ज्यादा इंपोर्टर हो, तो डेफिनेटली आप उसका फायदा ले सकते हैं. ओके सर, थैंक यू सर. वेलकम. सत्येंद्र जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सत्येंद्र यादव. हेलो. यस प्लीज. सर मैं एक चीज पूछ रहा था, जैसे ये आप कह रहे हो ई कॉमर्स क्रॉस बॉर्डर, तो इसमें सर कितनी क्वांटिटी में हो जाएगा एक्सपोर्ट, और क्या क्या हो सकता है? उनका 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 देखिए एक कोटा होता है, कोटा के हिसाब से मान लीजिए कि पर पर्सन जो है वो एक साथ 5 या तो 10 पीसेस मंगवा सकता है, या तो मान लीजिए कहीं पे ऐसा होगा कि कुछ प्रोडक्ट के अंदर 2 पीसेस होता है. जैसे मैं इंडिया की बात करूँ, क्रॉस बॉर्डर के अंदर जब आप कोई भी प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर मंगवाते हैं तो आपको आई कोड की जरूरत नहीं होती, और उसके अलावा इसकी इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं करनी होती. कब तक? जब तक गुड्स की वैल्यू 10,000 तक रहती है तब तक आपको कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन इम्पोर्ट. या एंड सेकेंडली उनका क्वांटिटी भी रहता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी 25 पीसेस होता है तो कोई प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी 2 और 3 पीसेस होता है. सो इट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट. बट ये किसको पता होता है? इम्पोर्टर. तो आप समझिए, आप लिस्टिंग करिए, इम्पोर्टर जो है ना उसको पता है कि मैं कितना इम्पोर्ट करूंगा स्पेसिफिकली, तो इसके ऊपर इतना ड्यूटी चार्ज होगा. आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ समझ रहा हूँ सर. ये तो छोटे बेस पे होगा, तो इस पे तो क्रॉस पे बिल्कुल छोटे लार्ज उस पे. अच्छा सर, आप छोटे किसको बोलते हैं? इंडिया के अंदर एक रीसेलर जब वो किसी प्रोडक्ट को ना अमेज़न पे लिस्टिंग करता है
आई एम टेलिंग यू दे आर अर्निंग मोर देन 10 to 12 lakh रुपीज पर मंथ. आप इसे छोटा इनकम बोलते हैं या तो छोटा प्लेटफॉर्म बोलते हैं? नो एट ऑल. और ये तो मैंने आपको बताया इंडिया के बारे में जहां पे ओनली 12% पीपल्स आर परचेसिंग फ्रॉम द वी कैन से दिस B2C. 12%, जबकि चाइना के अंदर तकरीबन 40% से ज्यादा लोग इससे परचेस करते हैं. सो इट इज नॉट अ स्मॉल एरिया. ई कॉमर्स ट्रेड जो है ना वो बहुत ही बड़ा एरिया है. तो आप छोटा बड़ा भूल जाइए, उसके ऊपर काम करना चालू करें. अच्छा सर एक चीज और, जैसे आप ये कह रहे थे कि हम वहाँ अपनी कंपनी लॉन्च कर सकते हैं मदरबद में? बिल्कुल कर सकते हैं. देयर आर सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशन. डेफिनेटली आप अपना कंपनी लॉन्च कर सकते हैं. तो उसके लिए आप क्या करें, इंडियन एम्बेसी का बेनिफिट लें. इंडियन एम्बेसी के थ्रू आप बिल्कुल ये कर सकते हैं. अच्छा, या बिल्कुल आप और किसी क्वेश्चन के लिए पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव और अरिंदम जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए. अरिंदम जी, हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि चाइना पे अगर जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वहाँ पे अगर बायर की, मेरा जो प्रोडक्ट है उसके बायर की लिस्ट मांगे और ये इसके लिए मैं मेल करूँ, तो वो लोग वहाँ से कोई हेल्प मिल सकता है क्या? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. बिकॉज यू सी, किसी भी इंडियन एम्बेसी, ऐसा नहीं चाइना में, दुनिया के कोई भी कंट्री में चले जाइए. एक्चुअली मैं इंडोनेशिया में एक बार किया था मेल. इसको भूल जाइए सर, मैं जो बता रहा हूँ इसको फोकस करें. वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी इंडियन एम्बेसी है तो इनका दो मेन काम होता है, एक वीजा एंड पासपोर्ट रिलेटेड इश्यूज सॉल्व करना है, दूसरा ई कॉमर्स, यानी कि सॉरी ई कॉमर्स नहीं, कॉमर्शियल जो वर्क है इंडिया के लिए उसको फोकस करना. अब देखिए, वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज के अंदर इंडियन एम्बेसी है उसमें से तकरीबन 50% से ज्यादा कंट्री में स्पेसिफिकली कॉमर्स डिपार्टमेंट उनका अलग से है. अब देखिए, कोई भी इंडियन एम्बेसी कहीं पर भी है ना, तो उसका एक फोकस ये भी होता है कि किस तरह से इंडियन प्रोडक्ट का इम्पोर्ट ये कंट्री में बढ़ाया जाए, यानी कि इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए. तो डेफिनेटली जब आप इसको क्वेश्चनिंग, सॉरी कुछ भी पूछते हैं या तो कुछ मांगते हैं, तो दे विल गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर. अगर नहीं करते हैं हेल्प, तो आप कॉन्टेक्ट करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को और उनको मेल डालें कि भाई मैंने इस तरह से मेल किया था लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है. बट समझिए मेरी बात को, यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन एम्बेसी. सो स्पेसिफिकली जब इंडियन एम्बेसी से बात कर रहे हैं तो उनके स्टैंडर्ड से बात करनी होती है. लाइक आई एम पुटिंग द मेल दैट दिस इज अमित मुलानी फ्रॉम अटलांटिको इंटरनेशनल फ्रॉम सूरत एंड वी वांट टू एक्सपोर्ट दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, प्लीज गिव मी द लिस्ट ऑफ इंपोर्टर. इस तरह से नहीं, बिकॉज नहीं, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया. यस, तो इन दैट केस आप उसको प्रॉपरली मेल करें, आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे, आपका जो भी मतलब अभी के लिए काम है उनका इंफॉर्मेशन दे, आपका आई कोड की इन्फॉर्मेशन दे. जैसे क्या होगा, आप ऑथेंटिकेट कंपनी है उसके बेस पे आप रिप्रेजेंट करेंगे और उनके भी आप में आपको इसका प्रॉपर आंसर मिलेगा. बट नहीं मिल रहा है तो आप डेफिनेटली MEA को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, एंड दे विल गाइड यू फर्दर. ओके, एंड अनदर क्वेश्चन है, आप जैसे बोल रहे थे चाइना के लिए, तो चाइना के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे डायरेक्टली हम हमारा प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं? मतलब मेरा फूड प्रोडक्ट है जैसे ओनियन राइस, बासमती नॉन बासमती राइस, तो ये सब आपको अलीबाबा पता है? अलीबाबा आपको पता है ना? अलीबाबा पता है ना सर? पता है. हाँ, आप अलीबाबा पे जाइए, इंडियन कंपनी सर्च करिए, यू विल फाइंड आउट थाउजेंड ऑफ कंपनीज एंड अलीबाबा इज द चाइनीज कंपनी. या सो इट इज ओपन फॉर ऑल, जस्ट डोंट वरी. यू कैन अलीबाबा जैसा और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना? यस सर, यस, मैंने यहाँ PPT में भी रखा हुआ है, तो उसके अलावा गूगल आउट भी करेंगे तो डेफिनेटली आइडिया मिलेगा. ठीक है, चलिए और किसी का क्वेश्चन ले. दिनेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आपका क्वेश्चन पूछिए. दिनेश जी, हेलो. यस प्लीज सर, हो गया मेरा क्वेश्चन? आई वाज द फर्स्ट. ओके, गौतम जी. अनम्यूट. हाँ, मेरे दो क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है कि मैं यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर लेने के बाद अलीबाबा पे अपने आप को रजिस्टर करता हूँ अपना प्रोडक्ट, हाँ जी, तो क्या मैं उससे, मतलब मेरा ये एक्सपोर्ट पूरा माना जाएगा उससे, मतलब मेरे को कस्टमर मेरे को मिल सकते हैं?
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में मैं डील करता हूँ. ओके, तो मेरे को क्या अलीबाबा से मेरे को जो कस्टमर मिलेंगे वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में आएगा? सर देखिए, पहली बात तो ये कि मैं कोई एश्योरिटी नहीं दे सकता प्रोडक्ट के बेस पे, आप पहली बात ये समझिए. सेकेंडली, अलीबाबा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ बी2बी. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ओनली इंडिया नहीं, दुनिया के तकरीबन 70 कंट्री से ज्यादा ऐसे कंट्रीज है जिनकी प्रोडक्ट का लिस्टिंग अलीबाबा पे है, और बहुत सारे चाइनीज ये जनरल प्रोडक्ट को अपने लिए परचेज अलीबाबा से कर रहे हैं. सो डेफिनेटली ये मेरा आपको एक डेफिनेट आंसर है कि एक्सपोर्ट हो रहा है अलीबाबा के थ्रू, और इसे एक्सपोर्ट बोलते हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 के बाद ई कॉमर्स एक्सपोर्ट का भी एक टैब जो है उनको जनरेट किया, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट. और ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में भी गवर्नमेंट के बेनिफिट आप ले सकते हैं. सो डेफिनेटली अलीबाबा तो एक रास्ता है, देर आर सेवरल प्लेटफॉर्म टू बी फोकस, लाइक टीमॉल हो गया, कुंडोडू हो गया, यस, और उसके अलावा जेडी वर्ल्ड वाइड हो गया सेवरल. दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जिस तरह से इंडिया की दिल्ली में प्रगति मैदान में जो एग्जीबिशन लगती है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, उस तरह का कोई ट्रेड फेयर चाइना में लगता है जिसको कि एक बार अटेंड किया? कैंटोन फेयर, इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेयर, इससे बड़ा कोई स्केल नहीं हो सकता वर्ल्ड में. सो डेफिनेटली यू विल बी अमेज्ड आफ्टर फोकसिंग दैट और विजिटिंग दैट, डेफिनेटली. चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. दो क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे बिकॉज ऑफ द टाइम. चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं शिवानंद जी का, आई थिंक क्वेश्चन आ गया. शिवानंद जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. शिवानंदा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. शिवानंदा जी, आप कुछ बोल रहे हैं? ओके फाइन, सो मुझे लगता है कि उनकी आवाज नहीं रही. ओके, विजया जी, राइट नाउ आई एम अनम्यूटिंग यू, प्लीज आपका क्वेश्चन पूछिए. विजया जी. सर मेरा क्वेश्चन ये है, चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो के बारे में थोड़ा बताइए. चाइना इंटरनेशनल एक्सपो इम्पो, इम्पोर्ट एक्सपो के बारे में, हाउ डू वी पार्टिसिपेट इन दैट? यस यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी गिव यू सम ब्रीफ ऑफ इट. या बिकॉज बहुत सारी चीजें उनकी वेबसाइट पे है, तो डेफिनेटली आप उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे. पहली बात तो ये कि 2018 में फर्स्ट टाइम चाइना ने ये इम्पोर्ट एक्सपो किया था. दुनिया के अंदर इस काइंड का ये सबसे पहला इम्पोर्ट एक्सपो था. सेकेंडली 2018 में तकरीबन 150 से ज्यादा कंपनियों ने रजिस्टर किया था ऑल ओवर वर्ल्ड से. 2019 के अंदर जब ये एक्सपो हुआ था तो 450 से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड थी, एंड इस बार तकरीबन उनका फोकस 600 से ज्यादा कंपनियों के ऊपर था. बट ड्यू टू द पेंडेमिक इट हैज ऑलरेडी वी कैन से कैंसल्ड. बट डेफिनेटली मैं आपको बताऊं कि चाइना का अभी फोकस इंपोर्ट के ऊपर और इंपोर्ट एक्सपो के ऊपर स्पेसिफिकली इसलिए है क्योंकि ये कंट्री इन फ्यूचर बहुत सारी इंटरनल लीड्स को पूरी करने के लिए फोकस कर रहा है और लिबरलाइज पॉलिसी बना रहा है. okay. देखिए, अगर आप उन चीज को फोकस करके स्टडी करेंगे, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि ये कोई ओवरनाइट खेल नहीं है कि आज आपने सेमिनार अटेंड कर लिया और कल से एक्सपोर्ट चालू हो गए. आई एम टेलिंग यू, एक्सपोर्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. आप जितना अच्छे से स्टडी करेंगे, आई एम गिविंग यू द एश्योरिटी, उतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को आप टैप कर पाएंगे एंड आप आराम से इसके अंदर आगे काम कर पाएंगे. सो मैंने एक एग्जाम्पल दिया उस तरह से, एक सिंगल कॉमोडिटीज को आप ई कॉमर्स पे भी बेचते हैं ना, देन यू कैन अर्न लॉट्स ऑफ. बट आपका फोकस होना चाहिए और फोकस के हिसाब से आपका डिटेल स्टडी होना चाहिए. ये एडमिटेड थिंग्स है जो रिक्वायर्ड. या ठीक है सर, जो भी ना इस एक्सपो में पार्टिसिपेट किया है ना 2018 में, उसका नाम मिलेगा हमें लिस्ट स्पेसिफिक? आप वेबसाइट पे चले जाइए, शायद मुझे इतना पता नहीं है, बट आप वेबसाइट को एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है कि उनके अंदर दिया होगा. लेकिन लास्ट ईयर 100 इंडियन कंपनीज थी, 100, और दे हैव डन वेरी गुड बिजनेस इनसाइड, वी कैन से. ओके सर, थैंक यू. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर मोहम्मद, प्लीज ask your question. Mr. Mohammed, अपने आप को अनम्यूट करें and then you can ask the question. Okay. Then after we have another person, Shantanu. Mr. Shantanu,
प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें आप. हेलो हेलो सर, कैन यू लिसन मी? या प्लीज. सर अभी जो आपने बताया कि लाइक सब्सिडी मिल सकता है फॉर सेटअपिंग द वेयर हाउस, या तो वो किस तरह से मिल सकता है? बिल्कुल, पहले तो आप वेयर हाउस के लिए जो सब्सिडी है फॉरेन वेयर हाउस के लिए, इसको आप एक तो गूगल कर सकते हैं. उसके लिए जो स्पेसिफिक एरिया है ना जहाँ से आपको सब्सिडी मिल सकता है, वो है गवर्नमेंट की जो फॉरेन ट्रेडिंग के ऊपर जो कंपनियां फोकस कर रही है, गवर्नमेंट की बॉडी. तो इसके अंदर एक तो DGFT हो गया, एंड उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सिम बैंक. आप एक्सिम बैंक की वेबसाइट को खास चेक करें, उनके अंदर ये लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं स्पेसिफिकली फॉरेन के अंदर वेयर हाउस सेटअप करने के लिए और फॉरेन के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी सेटअप करने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन कंपनीज खड़ी करने के लिए. यस, तो एक्सिम बैंक इज द सोर्स ऑफ इट. अदर देन दैट, बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको एक्सिम बैंक से भी मिल जाए. अदरवाइज यू कैन जस्ट गूगल इट आउट एंड यू विल फाइंड आउट द लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि सपोज अगर मुझे दो तीन वेयर हाउस अलग अलग कंट्रीज में सेटअप करने हैं, तो उसका भी प्रोविजन हो सकता है? बिल्कुल, बट आपको उसके लिए पूछना पड़ेगा. मैं आपको कोई इसके अंदर फर्म आंसर नहीं दे पाऊंगा. ओके फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ओके, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लेते हैं मिस्टर उदय का. सो प्लीज मिस्टर उदय, उसके बाद अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं. मैं आपके जितने भी क्वेश्चन होगा उनका आंसर देने की पूरी ट्राई करूंगा. यस उदय जी. हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. Yeah, I have one question, is that how can we fix up a price? I'm always getting confusion on whenever I want to fix up. Yeah. Please, aap mujhe personally connect kare, kyunki it is the lengthy discussion and definitely I will guide you. Yeah. Aur uske alawa aap free seminar pe attend kar sakte hai, jiske andar bhi aapko ye information milega. Yeah, one more last question, sir. Like whenever we are exporting the food, like fruits and all, we need to there's some certain guidelines, like the chemicalized jo yahan pe utilize karta hai during the farming, to usko wash karke humko bhejna padta hai, right sir? Yes. Right. So that where we need to contact, or is there any some procedure or protocols ki ye wala cheez nahi chahiye, residues nahi chahiye? Pehli baat to ye ki jo banda import kar raha hai, इनका आंसर सबसे अच्छा वो देगा. बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग वन एग्जांपल. मान लीजिए कि आप इंडिया के अंदर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, गन पिस्तौल बंदूक. यस सर, मान लीजिए आप इंडिया के अंदर वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. चाइनीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अब देखिए, चाइनीज जब एक्सपोर्ट कर रहा है ना, तो उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर अर्निंग फॉरेन करेंसी. तो वो आपको नहीं बताएगा कि सर ये आपके कंट्री में बैन है. वो तो एक्सपोर्ट कर देगा. क्यों? क्योंकि उसको तो पैसा मिल रहा है ना. तो उनको जानने की क्या जरूरत है कि ये बैन है कि नहीं है? बिकॉज आपने मांगा, उन्होंने दिया, लेकिन आपके कंट्री में ये बैन है, तो ये आपको देखना पड़ेगा. ये सेम थिंग जो आपने क्वेश्चन पूछा इसके रिगार्डिंग, आप कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके रिगार्डिंग कॉम्प्लायंसेस क्या होंगे, ये आपको आपकी पार्टी बताएगी. क्योंकि उनको पता है कि उनके कंट्री में इंपोर्ट करते वक्त हमको कौन से क्लियरेंस देने पड़ेंगे. तो अगर मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट कर दिया और पेमेंट ले लिया, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि उनको कोई प्रॉब्लम्स आता है सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग या तो कॉम्प्लायंस के रिगार्डिंग, देन डेफिनेटली उनके लिए हम जवाबदार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये उनका एरिया है चेक करने का कि कॉम्प्लायंस क्या है. सो दिस इज व्हाट द बेसिक थिंग. एंड सेकेंडली, फॉर दैट यू कैन कनेक्ट अपेडा, Agricultural Process Food Development Authority है. So please connect them. Someone have open, open the video and show me that I have a question. Yes. Fine, Mayur ji, आपका एक question ले लेते हैं. Mayur ji. Thank you sir, thank you so. Welcome, welcome. Yeah, hi, actually I have to say something. So like, you know, I am an importer, so I am looking for products who want to export. So if someone wants to connect, then they can just mail on tradeeasyworld@gmail.com. Yeah, please, आप उसको चैट में डाल दीजिए. I am not able to put on the chat, so am I allowed? Like, chat is disabled. So, okay. You can just enable just for one second, please. One second. Okay, thank you so much, sir. Yeah, please, it is enabled for you also. Yeah. Okay, so please, अपना आप माइक म्यूट कर लीजिए. ओके गाइज, सो आई थिंक ये जो हमारा सेशन रहा वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा.
बहुत सारी चीजों को हमने स्टडी करके यहाँ पे रखा हुआ था और मुझे लगा कि अगर इस चीजों को फोकस किया जाए तो डेफिनेटली इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना के अंदर हम बढ़ा सकते हैं एंड ये बहुत ही ह्यूज मार्केट है. सो डेफिनेटली हमें इसको फोकस करना चाहिए. जैसे कि ट्रेडिशनली ऑर्थोडॉक्स हमारी थिंकिंग ये है कि भाई चाइना को तो एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं बिकॉज वो इतना बड़ा एक्सपोर्ट दुनिया के अंदर करता है. बट यही हमारे लिए पॉजिटिव है कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो है इसलिए उनकी नीड भी बहुत ज्यादा है. एंड देयर आर सेवरल थिंग्स हैज बीन चेंज इन लास्ट 2 or 3 इयर्स एंड जो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है. यस सो आई होप आप सबको ये बहुत ही काम आएगा. एंड सेकेंडली पीपीटी प्रेजेंटेशन के लिए आप आई एम रिपीटिंग इट फॉर द पीपीटी प्रेजेंटेशन प्लीज आप विजिट करें भारत उड़ान मिशन जो आपको स्क्रीन पे अभी देख रहा है नाम भारत उड़ान मिशन इन YouTube. YouTube पे जो हमारा ये वीडियो कल अपलोड होगा तो ये वीडियो के नीचे इनका लिंक दिया है पीपीटी का. तो यू कैन डाउनलोड दैट लिंक ओवर दैट. पूरा पीपीटी जो है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे. जस्ट डोंट वरी. सो यू कैन यूज अ भारत उड़ान मिशन ऑन YouTube. थैंक यू सो मच एवरी वन. एंड अगर आप कोई भी क्वेश्चन के लिए मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर भी है. आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं. अमित मुलानी मेरा नाम है तो आप सर्च भी कर सकते हैं कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू एंड यू विल फाइंड आउट माय पर्टिकुलर प्रोफाइल. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर हियरिंग मी पेशेंटली एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड गाइज. गुड नाइट एंड हैव अ स्वीट ड्रीम. थैंक यू सो मच. सी या. बाय बाय.